कोयंबटूर तमिलनाडु में होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के शीर्ष संतों की पावन उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में 22 जुलाई शाम 5:30 से 7:30 बजे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का विशेष उद्बोधन होगा। निवेदक पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, आचार्य सभा। योग अध्यात्म एवं सेवा को मूल में रखते हुए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के महाअभियान के तहत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिधि में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आयोजित आगामी कार्यक्रम 1 से 4 अगस्त पतंजलि चिकित्सालय व पतंजलि आरोग्य केंद्र संचालक गण, प्रबंधक तथा पतंजलि चिकित्सालय के वैद्य गणों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर। 7 से 8 अगस्त पतंजलि परिवार के सदस्य गणों की बैठक, आजीवन सदस्य से बोर्ड मेंबर तक। 9 से 13 अगस्त मंथन शिविर, आमंत्रित सदस्यों की आहर्ता। प्रखर देशभक्त, शीर्ष बुद्धिजीवी, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारीगण, रिटायर्ड जज, कर्नल से लेकर जनरल तक, सेना के अधिकारीगण या समकक्ष, रॉ व इंटेलिजेंस आदि के सेवानिवृत्त शीर्ष अधिकारी, रिटायर्ड या सेवारत प्रोफेसर या वरिष्ठ शिक्षाविद, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निर्णायक क्षमता रखने वाले राष्ट्रवादी व्यक्ति जो गांव, गरीब, भारत एवं भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा रखते हैं, जो इस देश में बहुत बड़ा सात्विक परिवर्तन चाहते हैं तथा काला धन एवं भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध इस निर्णायक लड़ाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरी प्रामाणिकता व पारदर्शिता के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मंथन शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यालय से पूर्व पंजीकरण आवश्यक है। 15 से 21 अगस्त युवाओं के लिए विशेष शिविर, 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे राष्ट्रभक्त युवा जो राष्ट्र निर्माण के इस निर्णायक आंदोलन जो पूरी ऊर्जा के साथ अंतिम वक्त तक संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के 5 संगठनों या युवा भारत में अपने प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। हम प्रत्येक जिला तहसील से युवाओं का आह्वान करते हैं जो जीवन में योग अध्यात्म सेवा को मूल में रख करके काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं, उन सभी देशभक्त युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं। इस शिविर में भाग लेने के लिए पतंजलि योग पीठ मुख्यालय अथवा स्थानीय पतंजलि योग समिति से पूर्व पंजीकरण करवाएं। 23 से 25 अगस्त सत्याग्रहियों के लिए विशेष योग शिविर, जिन्होंने रामलीला मैदान के सत्याग्रह में भाग लिया, जिन्होंने अपने शरीर पर प्रहार सहे लेकिन हार नहीं मानी, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष किया, उन सभी देशभक्त भाई बहनों को भारत स्वाभिमान के राष्ट्र निर्माण के आंदोलन में उनकी सहभागिता एवं सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं। शिविर में भाग लेने के लिए रामलीला मैदान का पहचान कार्ड साथ लेकर आए अथवा भारत स्वाभिमान के जिला संगठन की संस्तुति साथ लेकर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जाकर भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हैं। कावड़ लाना श्रेष्ठ कार्य है, पुण्य का कार्य है, लेकिन हम जो देश के कोने कोने से भाई और बहन आए हैं, ये पूज्य महाराज श्री की योग रूपी गंगा से, योग ज्ञान रूपी जल को भरकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर गांव के अंतिम व्यक्ति का, गांव के गरीब आदिवासी वनवासी और किसान का अभिषेक करेंगे, उसको योग ज्ञान के माध्यम से आरोग्य देंगे, उसको स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। भाइयों और बहनों, आप सब जब इतनी इतनी दूरी से चलकर आते हैं तो हम सबको भी प्रेरणा देकर जाते हैं। यहां पर एक नहीं सैकड़ों ऐसे भाइयों से
मुलाकात हुई, सामने आए, जिन्होंने अपना सर्वस्व मां भारती के लिए समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपनी गाड़ी उसमें लगाकर गांव गांव जाने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अब संकल्प लिया है कि नौकरी से वीआरएस लेकर इस कार्य को करेंगे, जिन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक हमारे तहसील के, हमारे जिले के एक एक गांव में योग की कक्षा नहीं लग जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे ही कुछ समर्पित भाई और बहन मंच पर आपके सामने हैं, जिनसे हम पतंजलि परिवार की ओर से अनुरोध करेंगे, जिनके करकमलों के द्वारा आज के दीप प्रज्वलन का शुभारंभ हो। बहन उषा ताई जी, जो जनादिन खराट महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने पतंजलि योगपीठ के लिए अपनी जमीन दान की है, आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि। और ये बहन उषा ताई जी अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी बहनें और भाई हैं जो पतंजलि योगपीठ को अपना सब कुछ दान करने की इच्छा रखते हैं। भाई जनार्दन जी कोडिंबा खैरात से, महाराष्ट्र से। बहन विमल अरोड़ा जी, जिन्होंने 4 जून के सत्याग्रह में भाग लिया, अपने शरीर पर प्रहार सहे लेकिन हार नहीं मानी। डॉक्टर देवराज साहू जी, जिन्होंने ग्राम समिति निर्माण में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है, रजिस्टर के साथ जिन्होंने बहुत उत्तम तरीके से ग्राम समितियों का निर्माण किया है लगभग 200 गांवों में। भाई रामचंद्र माली जी महाराष्ट्र से, जिन्होंने पतंजलि योगपीठ में अपनी खून पसीने की, अपनी मेहनत की कमाई से दान दिया है, सहयोग दिया है। भाई भोजे विलास जी महाराष्ट्र से, जो हमारे साधारण सदस्य हैं। बहन रेखा एकनाथ जी, भाई एकनाथ भिका जलिहार जी महाराष्ट्र से। भाई भूपेश भिड़े जी गोवा से हैं, यद्यपि इनकी खुद एक टांग काम नहीं करती, लेकिन इन्होंने संकल्प लिया है कि अब एक गाड़ी और प्रोजेक्टर के साथ गांव गांव जाऊंगा। भाई शिव मजूमदार जी मणिपुर से हमारे क्रमट कार्यकर्ता हैं। आइए, जैसा पूज्य महाराज श्री हमें बनाना चाहते हैं, मानव से महामानव, तो मानव से महामानव बनने की यात्रा के लिए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। आज पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में अंतिम दिन है, यद्यपि सत्र कल भी रहेगा, तो आज हमारा दीक्षा का दिवस भी है। आपको गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये संकल्प भी लेना है कि अब हम गांव गांव जाएंगे, पूज्य गुरुदेव के दो हाथ बनकर एक एक गांव में जाकर गांव के अंतिम व्यक्ति की सेवा करेंगे। पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए, आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश समाज व पतंजलि योगपीठ के माध्यम से सेवा में समर्पित किया है। आइए सब मिलकर के लंबा गहरा श्वास भरते हुए स्वयं के चित्त को दिव्य चेतना के साथ में जोड़ते हुए, यहां जो कुछ हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर सब दिशाओं में दृश्य शक्तियां हैं, ये दृश्य एक अदृश्य से उत्पन्न हुआ है, ये सब आकार उस निराकार प्रभु ने ही दिए हैं। ये काया और माया, इसके कण कण में भी वही प्रभु समाया है, उसी से सब कुछ है, उसी का सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। तो आओ, जिस भगवान से सब कुछ है उसी की कृपा की याचना करते हुए उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं, भगवान के उपकारों को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के उपकारों को स्वीकार करते हुए कृतज्ञता के भाव के साथ उस भगवान की शक्ति का आह्वान।
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिंदगी की हर सुबह हमारा नया जन्म हो। एक दिन हमारी एक जिंदगी के बराबर है और एक एक पल मानो एक एक दिन के बराबर है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्षण तत्क्रमयो हो संयमात विवेक जम ज्ञानम। एक एक क्षण योग की साधना के द्वारा अपने चित्त का, अपनी चेतना का, अपने समग्र अस्तित्व का हमें दिव्य रूपांतरण करना है। भस्त्रिका प्राणायाम से हम अपनी योग यात्रा का प्रारंभ करते हैं। लंबे गहरे श्वास भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। हर रोज करना है 5 मिनट भस्त्रिका, कम से कम 15 मिनट कपालभाति। असाध्य रोगों में आधा घंटे तक। असाध्य रोगों से तात्पर्य जिन रोगों का चिकित्सा विज्ञान में कोई समाधान नहीं है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, SLE की बीमारी, मल्टीपास्कोसिस की बीमारी, कुछ बीमारियां ऐसी जिनका चिकित्सा विज्ञान में समाधान ही नहीं है, जैसे जिसके अंत में इस लगा रहता है। अंग्रेजी में जब बीमारियों का नाम बोला जाता है, जैसे लीवर सिरोसिस, जैसे कोलाइटिस, जैसे पेनक्रेटाइटिस, जैसे ब्रोंकाइटिस, जैसे लंग फाइब्रोसिस, जैसे स्किन सोराइसिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यू तो चिकित्सा विज्ञान में माना बहुत अनुसंधान हुआ है और इंसान की उम्र को बढ़ाने में और क्राइसिस मैनेजमेंट में, एक्यूट मैनेजमेंट में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत विकास किया है। लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे, प्राणायाम योग अभ्यास करते रहेंगे। मेडिकल साइंस के 7 प्रयोजन है। प्राइमरी प्रिवेंशन, व्यक्ति को बीमार होने से कैसे बचाया जाए, इसमें ज्यादा दवाइयों का रोल नहीं है, इसमें तो 99% योग की ही मुख्य भूमिका है, आयुर्वेद की ही मुख्य भूमिका है। आजकल कुछ टीकाकरण किए जाते हैं, पहले भी किए जाते थे, हमारे भी लगे हुए, यहां लगाया यहां लगाया, मोटे मोटे नस्तर लगाते थे, फूल जाते, पक जाते थे, पस पड़ जाता था, क्या क्या नहीं होता था। अब थोड़ा और एडवांस टीके हो गए हैं, 99% योग और आयुर्वेद का रोल है बीमारियों से बचाने में। लेकिन फिर भी कुछ तरक्की की है मेडिकल साइंस ने, कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक बार हार्ट अटैक आ गया, एक बार पैरालिसिस आ गया, एक बार ब्रेन स्ट्रोक आ गया, एक बार कैंसर हो गया, दोबारा ना हो, रिकरेंस ना हो, रिपीट ना हो डिजीज, दोबारा हार्ट अटैक ना आए, दोबारा पैरालिसिस ना आए, दोबारा ब्रेन स्ट्रोक ना पड़े, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके लिए भी
कुछ मेडिसिन को लाइफ लॉन्ग कर दिया जाता है कि जिंदगी भर खाते रहो, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। इसमें भी 99% योगी की भूमिका, आयुर्वेद की भूमिका है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, फिर एक्यूट मैनेजमेंट। हाँ, अचानक हार्ट अटैक पड़ गया, पैरालिसिस हो गया, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय आपको एक तो होगी, देखो सर्जरी बिल्कुल अलग चीज है, इसको शल्य चिकित्सा कहते हैं आयुर्वेद में। बाकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट एलोपैथी में श्रेष्ठ है, उसकी आवश्यकता, उसकी उपादेयता, जीवन रक्षा के लिए उसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। एक्यूट मैनेजमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, फिर है क्रोनिक मैनेजमेंट, जैसे क्रोनिक अस्थमा, जैसे क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर्स, लंबी बीमारी चल रही है, पूरा जीवन नरक बन जाता है, आदमी तड़प जाता भीतर तक, आदमी तड़पने लगता है भीतर तक, पूरे घर में कोहराम छा जाता है, पूरे परिवार में मातम छा जाता है, यदि कोई क्रोनिक बड़ी बीमारी चल जाए तो। इसमें एलोपैथी में कुछ कुछ बीमारियों के लिए उसको मैनेजमेंट करने के लिए इसको बोला जाता है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, पेन मैनेजमेंट, बीपी मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट, थायराइड मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट मेडिसिन है। फिर है, मैंने कहा क्रोनिक मैनेजमेंट, इसमें तो योग भी बड़ा जबरदस्त है, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो योग और आयुर्वेद से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अगली बात, शोर, एक दो बीमारियों को छोड़ करके, जैसे टीबी, जैसे मलेरिया, एक दो ऐसे और कोई बीमारियां होंगी, एक दो बीमारियों को छोड़ करके मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी का क्योर नहीं है, खाली कंट्रोल है, मैनेजमेंट ट्रीट मेडिसिन है। लेकिन हम अब आपके सामने करा रहे भस्त्री का अस्थमा को क्योर करते हैं, कपालभाति उज्जाई से, थायराइड को क्योर करते हैं, स्लीप एपनिया को क्योर करते हैं, अर्थराइटिस को क्योर करते हैं, माइग्रेन पेन को क्योर करते हैं, बीपी को क्योर करते हैं, बीमारियों को हम क्योर करते हैं, 99% 99% बीमारियों को हम योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा क्योर कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, मेडिकल साइंस की दृष्टि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भस्त्री का पूरा हो गया, एक दो मिनट और कर लो, लंबे श्वास भर लो भाई बहनों। मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात कर रहा हूं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक्यूट मैनेजमेंट, क्रोनिक मैनेजमेंट, क्योर, हमने क्योर किया है प्रॉब्लम्स को। जिनको एलोपेशिया हो गया था, इस शिविर में भी एक बहन आई हुई है, जिनको एलोपेशिया हो गया था, उनको हमने नारियल का तेल भेड़ के छत्ते के को पका करके उसमें एक छोटी प्याज आती है, इधर पश्चिम बंगाल उड़ीसा आदि में प्रयोग की जाती, छोटी प्याज, उसका रस भी लगाते हैं, गुलर, गुलर के पत्तों का रस उसमें पका लिया, गुड़हल उसको भी डाल दिया तेल के अंदर, गुड़हल प्याज का रस भी डाल सकते हो उसमें, या प्याज का रस अलग से भी लगा सकते हो, गुड़हल प्याज का रस, गुलर का रस उसको पका लिया नारियल के तेल में, भेड़ एक जो है ततैया, एक पीले पीले रंग की एक मक्खी होती है, काटती तो बहुत दर्द होता है, उसके छत्ते को नारियल के तेल में पका लेते हैं। नारियल का तेल तो हम आपको उपलब्ध कराते हैं, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ये पतंजलि की औषधियों का स्लोगन ही नहीं है, ये हमारा संकल्प है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। ये नारियल के तेल में उसको पका लिया और उसको फिर लगाया,
प्रणाम किया। सप्तामृत लोह अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, ज्यादा ही उष्णता पित्त बढ़ा हुआ हो तो मोती पृष्ठ भी 2 ग्राम उसमें मिला सकते हैं। दिव्य केस तेल भी लगाने, एक बार ये लगाया एक बार दिव्य केस तेल लगाया। ये प्रयोग करने से 5-6 महीने साल भर लग सकता है, एलोपेशिया ठीक होता है कईयों का, मेरे पास यहीं पर रिकॉर्ड है। एलोपेशिया से लेकर के बालों की सब बीमारियों से लेकर के आंखों की कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के दृष्टि आई ड्रॉप आपको देते हैं हम, कान के पर्दे के छिद्रों से लेकर के नाक के अंदर की बड़ी हुई हड्डी कपाल भाति कर लो चलो, पॉलिप से लेकर के तमाम स्किन डिसऑर्डर्स, किसी किसी को तो चेचक के दाग थे, चिकन पॉक्स, चेचक के दाग प्राणायाम करने से अपने आप हील हो गए, भर गए, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ा अद्भुत है प्राणायाम, जो प्राणायाम के मैंने प्रभाव देखे हैं वो आपके सामने चलो थोड़ी देर में रख देता हूं। पॉलिप से बड़े हुए थे, कपाल भाती करते रहो खत्म हो गए, या वो चिकन पॉक्स चेचक के कारण से दाग 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 गड्ढे गड्ढे हो गए थे, वो जो ये गड्ढे वाली जमीन वो पूरा समतल हो गई प्राणायाम से। अद्भुत, कहीं पर भी किसी को माथे में गांठ थी, किसी को ब्रेन ट्यूमर था, बॉडी में कहीं पर भी गांठ थी, सारी गांठें, दो तरह की गांठ होते हैं बेनाइन मेलिग्नेंट, सब घुल जाती है, इसमें कपाल भाती का बड़ा रोल है। अलग अलग प्राणायाम के लाभ, यूं तो प्राणायाम रहस्य पुस्तक में लिखे हुए हैं, अलग अलग प्राणायाम के लाभ। भस्त्रिका का क्या लाभ है, भस्त्रिका से मुख्यतः फेफड़े पर असर पड़ता है और इससे मधुमेह में विशेष लाभ होता है, इससे एनर्जी ज्यादा मिलती है, एक एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जनरेट होती है ना ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलन से, जितना ऑक्सीजन के इनपुट बढ़ेगा उतना आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, आपकी कैलोरी बर्न होगी, आपका शुगर का लेवल कंट्रोल होगा, बहुत फायदे हैं। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम आपका हेल्दी होगा, एक एक सेल के रिसेप्टर्स, एक एक सेल का स्ट्रक्चर जीन्स क्रोमोसोम से डीएनए तक, और एक एक सेल का पूरा कैरेक्टर, भस्त्रिका कपाल भाती, इन आठों प्राणायाम से अच्छा होता है वैसे, या आठों प्राणायाम की संयुक्त भूमिका भी बहुत अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग लाभ है, वो भी थोड़ी देर में मैं आपके बीच में रख देता हूं। मैं कह रहा था ना सब चीजों के उन्नत बीज बनाए जा रहे हैं, शिमला मिर्च से लेकर के आलू से लेकर के आम से लेकर के मैंगो, केला, बनाना, लीची, सब फसलों के उन्नत बीज बनाए जा रहे हैं, उनके उन्नत स्वाद हो, उनकी नस्लें अच्छी हों, लेकिन मैं इनका ये सारे बीज, ये सारी नस्लें, ये सारी सृष्टि, ये सारी धरती, ये सारे संसाधन, ये सारा विज्ञान, ये सारा विकास जिस इंसान के लिए, उसकी नस्ल भिता बुरा था, ये मनुष्य के बीज का केंद्र है। स्त्री बीज और पुरुष बीज मूलाधार चक्र से बनते हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, इनकी भौतिक शक्ति भी बहुत शक्तिशाली है और ये आध्यात्मिक शक्ति के भी केंद्र है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर ये शक्ति के केंद्र है, जब व्यक्ति भोग आसक्त होता है तो शक्ति अधोगामी होती है। विचार से क्या होता है इसको समझना हो तो आप अपने भीतर होती हुई प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। विचार से वासना जागती है और विचार से ही उपासना का भाव जागता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना योग अभ्यास की, जैसे मैं आज कह रहा हूं ऐसे हर दिन इसका ध्यान रखना, योग अभ्यास की जब भी शुरुआत करो तो उच्च चेतना में अवस्थित होकर के योग अभ्यास शुरू करना। मैंने 5 उन्नत भाव कहे आपसे, 5 जीवन के उच्च आदर्श कहे आपसे, सदा उच्च चेतना में जीना, हमें मानवीय चेतना का दिव्य रूपांतरण करना है, यही योग अध्यात्म हमारी संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का, ऋषि परंपरा का, देव संस्कृति का यही ध्येय है। उच्च चेतना में जीना, निम्न चेतना में नहीं, उच्च चेतना में जीना, दिव्य भाव में जीना, इस माया को दिव्य माया के रूप में देखना, इस काया को दिव्य काया के रूप में देखना, और इस काया और माया को दिव्य बनाना ही है हमको। दिव्य काया, दिव्य माया, दिव्य दृष्टि, दिव्य कर्म, दिव्य वाणी, दिव्य व्यवहार, दिव्य चरित्र, दिव्य संसार,
मुझे दिव्य से बहुत प्यार है, दिव्यता से बहुत प्यार है। इसीलिए आज से 17 वर्ष पहले जब पहला ट्रस्ट हमने बनाया तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, और आयुर्वेद की औषधियां निर्माण करने के लिए निर्माण शाला बनाई, रसायन शाला बनाई, फार्मेसी भी बनाई, तो उसका नाम भी दिव्य फार्मेसी रखा। और बहुतों ने तो फिर जो योग से बच्चे पैदा हुए उनका नाम ही दिव्या दिव्य ऐसे रखना शुरू कर दिया। हमें पूरे जगत में दिव्यता को लाना है, दिव्य भाव में रहना, उच्च चेतना में जीना, उच्च चेतना में जीना, चेतना को ऊर्ध्व आरोहण होना चाहिए। उद्यानम ते पुरुषनाभियानम, एक क्षण के लिए भी नकारात्मकता नहीं, एक क्षण के लिए भी विवेक का प्रवाह टूटे नहीं, कपालभाति निरंतरता के साथ करते रहो, लय के साथ, एक रिदम के साथ, निरंतरता के साथ करते रहो। निरंतरता के साथ करो, ये तो लगातार करना अपने को, साधकों को तो आधे घंटे तक करना है ना। हाँ, जिनको कुंडलिनी जागरण करना हो, ऊर्ध्व रेता होना हो, वो भी आधा घंटा करे, और जिनको असाध्य रोगों को मिटाना हो वो भी आधा घंटा करे, चाहे कैंसर हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे SLE हो, चाहे MS हो, मैंने जिन असाध्य रोगों का नाम लिया है पहले भी, इनकरेबल डिजीज में आधा घंटा। बहुत कुछ कह रहा था, मैं कह रहा था जब भी योग की शुरुआत करें तो 5 उन्नत भाव, उच्च चेतना में जीना, समाधि भाव में जीना। समाधि भाव क्या है? निज स्वरूप में स्थिति, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध, आत्मबोध, योग समाधि ही। जो मन में विचार उठा उधरी बह गई, ये है भोग। काम उठा, कामी हो गए, क्रोध उठा, क्रोधी हो गए, लोभ उठा, लोभ हो गए, लोभी हो गए, अहंकार उठा, अहंकारी हो गए, भय आया तो भयभीत हो गए, प्रलोभन आया तो प्रलोभी हो गए। कपाल भांति करते रहो, जो बह गया सो भोगी, जो ठहर गया सो योगी। आत्मभाव में जीना, एक क्षण के लिए भी निज स्वरूप की, आत्म स्वरूप की विस्मृति ना हो। योग सहकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग सहकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगी होना है, अपने सब पूर्व योगी तो थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, प्रोफेट मोहम्मद साहब, भगवान ईसा मसीह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, तमाम में तो क्रांतिकारियों को योगी मानता हूं। योगी ही मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। सब हमारे पूर्वज योगी थे, सब ऋषि मुनि योगी थे। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी हो जाओ, जो योगी होता है उसके जीवन में उसको सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। समाधि भाव में जीना, ब्रह्म भाव में जीना, न जगत से पलायन, न इसमें अज्ञान पूर्वक संघर्ष। जीवन का होगा उत्कर्ष तब जब हम इस माया को दिव्य माया के रूप में देखेंगे, इस पिंड और ब्रह्मांड में उस ब्रह्म तत्व का ही अनुभव करेंगे। सब ब्रह्म से ही है, ब्रह्म का ही है, ब्रह्म में ही है, सब उसी की महिमा है, सब उसी की माया है, सब उसी की काया है, कण कण में वही समाया है। ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम्। चारों और वही ओतप्रोत सओतप सप्रोतश्च उपरि।
हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही तो है। गिर गब्बर में, सागर में, नदियों में, चांद में, सूरज में, तारों में, प्रभु तेरी तो चमक है। ये द्युलोक तेरा सिर, अंतरिक्ष लोक तेरा धड़, पैर पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी पर बहती हुई नदियां तेरा पाद प्रक्षालन कर रही हैं। ये तेरे मंदिर में भिन्न भिन्न पुष्प और खलियां खिलते हुए तेरी ओर आमंत्रण दे रही है सबको। प्रभु तू इस जगत को बुला करके, इस जगत को बना करके अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है सबको। भगवान ने प्रकृति की रचना इसलिए की, ये प्रकृति रूपी बाहों से तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। प्रकृति में थोड़ा थोड़ा सुख देकर के परम सुख तक, शाश्वत सुख तक प्रभु तुम्हें आमंत्रण दे रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, भगवान तो बाट जो रहे हैं अपनी संपूर्ण कृपा, अपना समग्र अनुग्रह, अपने सभी आशीष, अपनी संपूर्ण शक्तियां, अपना संपूर्ण ज्ञान, अपनी ज्योति हमको देना चाहते हैं। एक बार अपने भीतर पात्रता तो पैदा करो। वो प्रभु तो कब से तुम्हारी बाट जो रहे हैं। मैंने तो ऐसा ही पाया। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं हाथों गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मेहरबानी का है वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। अनुलोम विलोम कर लीजिए आइए। ये माना के दाता हो तुम गुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। ये माना के दाता हो तुम गुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया वो कुछ कम नहीं है, मैं तुझको उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का जानी। कर्जदार तेरे दया का हूं इतना, कर्जदार तेरे दया का हूं इतना, जिसे
से सब कुछ पाया लेकिन तुझे ही भूल गया, काया में माया में ऐसा उलझाया। प्रभु तूने तो ये सब कुछ बनाया था अपने और आमंत्रित करने के लिए, लेकिन मैंने इसी को सब कुछ मान लिया, बस ये भूल हो गई। प्रभु अब तो अपनी शरण में ले लो। तूने कितना उपकार किया है मुझ पर, मेरी औकात से ज्यादा दिया है प्रभु तूने। जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, तेरा नाम हर गीत जुबा पे नाया। जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, तेरा नाम हर गीत जुबा पे नाया। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मेहरबानी का है मुझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल पालू। यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, तेरा प्रेम एक बार जी भर के पालू। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ा सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह। पूज्य बापू जब यहां कथा कर रहे थे मानस योग सूत्र और पतंजलि योग सूत्रों को लेकर के, और जब
जब जब वो रामायण की सोपाई की मात्री है, चंद शब्द यहां से बोलते थे, तो मैं उनको देखता था, उनका हृदय भर आता था, छलकता था भीतर का प्रेम, भीतर की करुणा और भीतर की ममता, भीतर की कृतज्ञता। यह दुनिया में कुछ थोड़ा भी हमारे लिए कुछ एहसान कर देता है तो हम कितना उपकार मानते हैं उसका, थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। अरे भगवान ने जो हमें दिया है, इस शरीर की ही कीमत देखो ना, इस फिजिकल बॉडी का, जो सबको बराबर दिया भगवान ने, गरीब को अमीर को। चलो कपाल भाती कर लो थोड़ी देर। गरीब को अमीर को, हर जाति हर मजहब के व्यक्ति को, हर देश के व्यक्ति को एक जैसा भगवान ने शरीर दिया है। इसी की कीमत 400-500 लाख करोड़ रुपए है, 400-500 करोड़ रुपए है, माफ करना, 400-500 करोड़ रुपए शरीर की कीमत कर सकते हैं, 400-500 लाख करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। शरीर से तो सब कुछ है ना, शरीर नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है, शरीर के रहते सब कुछ है। कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा उपकार भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हम सबको समान रूप से शरीर दिया, इंद्रियां दी, मन दिया, बुद्धि दिया, सुखों से भरा संसार दिया है, माता पिता का प्यार दिया है, समर्थ गुरु का मार्गदर्शन मिला है, और क्या चाहिए। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तेरी अनुग्रह को, तेरी कृपा को, तेरे उपकारों को, तेरे आशीषों को जब याद करता हूं तो दिल भर आता है। प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए, तुमने सब कुछ किया मेरे लिए प्रभु, इसलिए प्रभु ये जीवन ही तुम्हें अर्पित है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीवित तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, है जीवित तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण कर दो जगती भर का, अर्पण कर दो जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीवित तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का आधार एच की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ। आपके मेजबानी से MTH, the real spice of India. कैन प्यूरिफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन RO और UV से। कैन देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी, जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए।
एच मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए असली मसाले सच सच MBH MBH मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी बेकानो सब खाते सब खाते हैं मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया सानी साहब 14 चक्कर काफी नहीं नो मिसेस शर्मा काफी नहीं पुरी साहब काफी नहीं नो डॉन लीजिए काफी नहीं सिर्फ डाइटिंग एक्सरसाइज काफी नहीं क्योंकि आपका नमक आपको फिर मोटा बना देगा अपनाइए कम सोडियम वाला डॉक्टर सॉल्ट वजन घटाए चुटकी में सांबर मसाला हो या चने का मसाला कसूरी मेथी या देगी मिर्च असली मसाले सच सच MBH MBH स्वामी दयानंद सरस्वती जी शताभिषेकम का विशेष समारोह 20 से 22 जुलाई स्थान कोडेशिय कन्वेंशन हॉल कोयंबटूर तमिलनाडु में होगा इस कार्यक्रम में देश विदेश के शीर्ष संतों की पावन उपस्थिति रहेगी इस कार्यक्रम में 22 जुलाई शाम 5:30 से 7:30 बजे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का विशेष उद्बोधन होगा निवेदक पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज आचार्य सभा वह रोग नहीं है वहां दुख नहीं है वहां दरिद्रता नहीं है वहां पराजय नहीं है वहां मृत्यु नहीं है वो तो अमृत लोक है वो तो अमृत धाम है प्रभु का कपाल भाति करते रहो भाई बहनों मैं कह रहा था जब भी योगा अभ्यास कराओगे ना आप सबसे जाकर के तो कराना है ना और सब जो करते मैं सबसे कहूंगा आस्था के माध्यम से भी हमारे करोड़ों भाई बहन हर दिन हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं मैं सबसे कहूंगा सदा उच्च चेतना में जिए और योग का ध्येय यही है चेतना का दिव्य रूपांतरण जिस दिन मानव चेतना दिव्यता में रूपांतरित हो जाएगी उस दिन योग का कार्य पूरा हो जाएगा दिव्य चित्त दिव्य चेतना चेतना का समग्र दिव्य रूपांतरण उच्च चेतना में जीना समाधि भाव में जीना ब्रह्म भाव में जीना ब्रह्म के सिवा यहां और कुछ है ही क्या प्रभु से ही सब कुछ है प्रभु का ही सब कुछ है प्रभु में ही सब कुछ है यतो वायमाने भूतानि जायन्ते येन चातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तत्ब्रह्मेति वही ब्रह्म ही सब कुछ है बाकी तो भ्रम है उसको ना समझा तो ये तीन भाव होंगे तो बड़ी उपलब्धि क्या होगी हमारे कर्म दिव्य होंगे हमारा जीवन दिव्य होगा हमारा जीवन कैसा होगा हमारा जीवन पूर्वजों जैसा होगा ये पांच उच्च आदर्श हैं हमारे जीवन के उच्च भाव हैं हमारे जीवन के दिव्य भाव हैं हमारे जीवन के इससे दिव्य जीवन बनेगा दिव्य जगत बनेगा और जीवन और जगत में इस भगवान का प्रकाश भगवान का आलोक भगवान की ज्योति और ज्ञान छा जाएगा इस धरती पर जन्नत होगी इस जमी पर जन्नत होगी धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा इंद्रम वर्धन्तु अप्त्रः कण्वन्तु विश्वमार्यम चारों ओर दिव्यता से भर जाएगा ये जीवन और ये जगत ये पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ उसी की ज्योति से पूरी तरह से आलोकित होने लगेगा भगवान का साम्राज्य यहां पर स्थापित होगा सत्य का साम्राज्य स्थापित होगा यही है हमारा राज्य यही है हमारा स्वराज्य यही है हमारा साम्राज्य यही है हमारा दिव्य सिंहासन और इसी भगवान के साम्राज्य को स्थापित करना इन पांच उन्नत भावों के साथ पांच व्रतों की भी मैं बात कर रहा हूं योग व्रति बनना योग को अपना लेना रोग नहीं रहेगा आपके जीवन में नशा नहीं रहेगा हिंसा नहीं रहेगी अज्ञान नहीं रहेगा डिजीज ड्रग वायलेंस
इग्नोरेंस, इसमें जल रहा है संसार, तड़फ रहा है संसार, तड़फते बिलकते दुखी दरिद्र अशांत संसार के लोगों के लिए एक ही साधन है तरने का, इन समस्त दुखों से छूटने का, योग की शरण में आओ, योगम शरणम गच्छामि। योग करेंगे हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारा मन अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे भाव अच्छे होंगे, हमारा चिंतन अच्छा होगा। जब हमारा शरीर, हमारी मानसिकता ठीक होगी, हमारा शरीर और हमारा विचार अच्छा होगा, तो हमारा आहार अच्छा होगा, मंसार करने की इच्छा ही नहीं होगी, दारू पीने की इच्छा ही नहीं होगी, बुरा विचार अंदर आएगा ही नहीं, नकारात्मक विचार अंदर आएगा ही नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं, अज्ञान रहेगा ही नहीं। दो तरह की शक्तियां हैं, दो तरह का जीवन है, और इस द्विधात्मक संसार में जहां देवासुर संग्राम निरंतर चल रहा है, निरंतर धर्म युद्ध चल रहा है जीवन में भी जगत में भी, उसमें यदि हमें देवत्व को विजयी बनाना है और असुरत्व को पराजित करना है, तो योग ही एकमात्र, अध्यात्म ही एकमात्र, ध्यान समाधि एकमात्र समाधान है। योग करना, योग प्रति बनना, आज से संकल्प लेकर के जाएंगे, योग करेंगे और कराएंगे। आज हम सब प्रण करते हैं, चलो दोनों हाथ जोड़ लो, सब संकल्प करेंगे मेरे साथ, हे प्रभु हम ये प्रण करते हैं, जब तक देह में प्राण रहेगा हम प्राणायाम करेंगे और औरों को करवाएंगे। एक संकल्प से सबका उद्धार हो जाएगा, खाली एक छोटे से व्रत से, व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षाया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्य का दर्शन करना है ना, सत्य को पाना है जीवन में, तो उसके लिए साधन है व्रत, एक व्रत कर लो, योग व्रत, बस योग व्रती होगे तो आयुर्वेद स्वदेशी का व्रत अपने आप ही, जब अंतर से स्वाभिमान जगेगा, स्वदेशी व्रति बन जाओगे, आयुर्वेद व्रति बन जाओगे, नशा मुक्ति का व्रत अपने आप ही अंदर से पैदा हो जाएगा, स्वधर्म का में आप अवस्थित हो जाओगे, योग धर्म के साथ, शरीर तंत्र के साथ लोकतंत्र के बारे में भी सोचोगे, देह के साथ देश के बारे में भी सोचोगे, अपने तन के साथ साथ इस देश का धन वैभव लुट रहा है, भगवान का साम्राज्य लुट रहा है उसके बारे में भी सोचोगे, आत्मोन्नति के साथ राष्ट्रोन्नति के बारे में भी सोचोगे, आत्म जागरण के साथ तुम राष्ट्र जागरण के भी पुरोधा बनोगे, वयम राष्ट्रीय जागरियाम पुरोहिता, आत्म कल्याण, जब सब आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ेंगे तो विश्व कल्याण तो उसमें सन्निहित है ही, ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से, कोरिलेशन है इनका। कपाल भाती आधा आधा घंटे तक करने का अभ्यास डालिए, आप यदि योग का भी व्रत ले लेते हैं तो आपका जीवन कितना पावन हो जाता है, बस कुछ भी हो जाए मुझे सुबह उठ करके योग करना है, तो जीवन में कोई रोग नहीं होगा, ना कभी बीपी, ना कभी शुगर, ना कभी हार्ट की बीमारी, ना कभी कैंसर, ना कभी टीबी, ना कभी अर्थराइटिस, ना कभी सोराइसिस, ना कभी किडनी की बीमारी, ना कभी लीवर की बीमारी, ना आंख की, ना कान की, कितनी बीमारी है, बीमारी हो जाए ना तब पता लगता है हे भगवान ये किसी को ना हो, अभी तो अपन ठीक है तो एकदम ठीक लगता है, जिस दिन किडनी फेल होगी ना तो पता लगेगा अरे अब तो पैसा भी ठीक से नहीं कर सकते, फिर डायलिसिस पर जाना पड़ेगा, फिर सब कृत्रिमता पर जाना पड़ेगा, घुटने चेंज कराने पड़ेंगे, कमर चेंज कराने पड़ेगी, लीवर चेंज कराना पड़ेगा, किडनी चेंज करानी पड़ेगी, हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पेसमेकर लगाना पड़ेगा, सांस लेने के लिए भी फिर स्लीप एपनिया हो गया तो मशीन लगानी पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो फिर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आंखों पर चश्मा लगाना पड़ेगा, कान पर भी मशीन लगानी पड़ेगी, हाथों में फिर बैसाखियां उठानी पड़ेंगी। अब बैसाखियों के सहारे चलना बंद करो, महर्षि पतंजलि तुम्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ये दवाइयां बैसाखियां हैं, ये ऑपरेशन भी बैसाखियां हैं, ये डॉक्टर भी बैसाखियां हैं,
माना गुरु तत्व का बहुत बड़ा महत्व है अपने जीवन में, लेकिन बाहर का गुरु भीतर के गुरु से जोड़ने के लिए ही है। ये सब कुछ बाहर की बैसाखिया छोड़ो, अब तो योग की क्षण में आओ, तुम अपने ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करो, आत्म विजेता बनो, विश्व विजेता बनो। बहुत शक्ति है योग में, ये इतना बड़ा दर्शन है। एक बार बटरफ्लाई कर लीजिए, थोड़ा बटरफ्लाई थोड़ा कर लेंगे और थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। भाई बहनों, बहुत कुछ पाना है आपको, आज मुझे बहुत कुछ बताना है और आज आपको बहुत कुछ देकर के जाना है। हर दिन आपको आस्था के माध्यम से करोड़ों भाई बहनों को हम बहुत कुछ देते हैं। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते करते दो चार बातें बता रहे हैं। श्रावण मास में जब सदगुरु से, समर्थ गुरु से, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से हम अपनी इस पावनी शाश्वत परंपरा में, वैदिकी संस्कृति में, देव संस्कृति में, ऋषि परंपरा में हम श्रवण से ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करते आए थे और उससे अपने जीवन का रूपांतरण करते आए थे। श्रावण महीने में आपको ज्ञान, आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करते करते और अपने जीवन के रूपांतरण करने का ये जो सौभाग्य मिला है, ये इस जन्म का नहीं, ये अनेक जन्मों के पुण्य प्रवाहों का प्रतिफल है कि आज आप यहां पर हैं। अब आपको पूरी तरह से रूपांतरित होकर के जाना है यहां से। जब आप घर जाएं, तब आस पड़ोस के लोग भी आपको देखने के लिए आए, अरे ये हरिद्वार जाके आए, देखो कितने दिव्य होकर के आए, देखो इनकी चाल बदली बदली सी लगती, इनके चेहरे कितने चमकते हुए दिख रहे हैं, देखो इनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, देखो इन्होंने अब गुस्सा करना बंद कर दिया है, देखो तो ये मोटे मोटे गए थे, पतले पतले होकर के आए, देखो तो इनकी बीमारियां छूट गई हैं, अब इनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, देखो कितने अच्छे हैं, घर में हम मिलकर के प्यार से रहते हैं, देखो तो इनका आचरण, देखो तो इनका व्यवहार, देखो ये सब स्वदेशी को अपनाते हैं। आप जब घर से जाएं आस पड़ोस के गांव में, तब लोग कहें अरे इसके जीवन में कितनी पावनता है। आप यहां से आए थे एक सामान्य इंसान के रूप में, मानव के रूप में, आपको महामानव होकर के जाना है। आप एक सामान्य जीवन लेकर के आए थे, आपको दिव्य जीवन के साथ यहां से प्रस्थान करना है, जीवन को दिव्य जीवन बनाना है, मानव से महामानव होना है। और गुरु के पास में आकर के तो गुरु के प्रतिरूप हो जाते, गुरु हमें दूसरा जन्म देते हैं। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारणम कृणते गर्भमंत तम रात्र स्थिर उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टम अभिशयंति देवा आचार्य मृत्युर्वरुण सोम औषधय पय। आचार्य हमें नया जन्म देता है, दिव्य जन्म देता है, आध्यात्मिक जन्म देता है। तो आपको गुरु का प्रतिनिधि होकर के जाना है। आप जब घर जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपनी तहसीलों में जाएंगे, तो लोग आपको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं, आपको अपने गुरु के प्रतिनिधि के तौर पर देखेंगे। आपको ऐसे ही जीना है, आपकी भाषा, आपकी वेशभूषा, आपका चाल, आपकी चाल, आपका चलन, आपका चरित्र, चेहरा, आपका जीवन पूरा इतना पावन होना चाहिए लोगों को लगे कि जीवन हो तो ऐसा, आचरण हो तो ऐसा, वाणी हो तो ऐसी, व्यवहार हो तो ऐसा, देखो इसके जीवन में कितनी सादगी, कितनी मितव्ययता आ गई है। पैरों को सामने थोड़ा खोल के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे ही थोड़े सूक्ष्म व्यायाम हर दिन प्राणायाम के बीच में करा देते हैं। आज का सूक्ष्म व्यायाम अभी थोड़ा करा दिया है। भाई बहनों, जैसा कि भाई राकेश जी ने कहा कि कावड़िए पावन गंगा जल लेकर के
भगवान शिव की आराधना के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपको भगवान शिव का सबसे बड़ा प्रसाद है योग, वो योगियों के आदि गुरु हैं। आप श्रावण महीने में भगवान शिव का योग, योग का ये जो प्रसाद है, ये जो योग गंगा है, इसको लेकर के जाना है और इसको अपने गांव के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर, अपने तहसीलों के अंदर, पूरे भारत में इस योग गंगा का जल ऐसा प्रवाहमान करना है कि सब पावन हो जाएं इस योग गंगा के, इस ज्ञान से, और सब उसको जीवन में अपनाएं। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। आए थे आप खाली होकर के, जा रहे हैं ज्ञान से भर करके, जा रहे हैं प्रेम से भर करके, दिव्यता से भर करके। गुरु के पास आने की पहली शर्त समर्पण, खाली हो जाओ, गुरु को मृत्यु के रूप में स्वीकार करो, अपने अस्तित्व मिटा दो, अपने आग्रह मिटा दो। जो गुरु दे रहा है, गुरु के ज्ञान प्रसाद से अपने जीवन को पावन बनाने का ये संकल्प। गुरु शिष्य की पावनी परंपरा और 24 घंटा गुरु तत्व को जीवन में धारण करके ऐसे ही जीना, गुरु जी कहते हैं बार बार 24 घंटा ऐसे जियो जैसे गुरु हमारी आंखों के सामने ही है। गुरु को केंद्र में रख करके, भगवान को केंद्र में रख करके, सत्य को केंद्र में रख करके, सेवा को केंद्र में रख करके, राष्ट्र को केंद्र में रख करके जिए। कोई ना कोई हमारे जीवन के केंद्र में होता, उसकी परिधि में हम घूमते रहते हैं। तो केंद्र में गुरु होना चाहिए, केंद्र में भगवान होना चाहिए, केंद्र में ज्ञान होना चाहिए, केंद्र में सेवा होनी चाहिए। दोनों हाथों को उठा लेंगे, ऐसे ही जीना है आप सबको। तो मैं कह रहा था आपको पांच जो उच्च आदर्श है जीवन के, उनमें जीना है और पांच व्रतों में जीना है। ये बात हर दिन कहा करो अपनी कक्षाओं में और हर दिन इसका पालन करना है। शाम को आत्मनिरीक्षण भी करना है, क्या मैंने अष्टांग योग का पालन किया, क्या मैंने पांच आदर्शों का पालन किया, क्या पांच व्रतों का पालन किया। स्वदेशी के व्रत के पालन करने से इस देश को कितना लाभ होगा, योग का व्रत का पालन करने से इस देश को कितना लाभ होगा, सबका नशा छूट जाएगा, सब रोग मुक्त हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे, हिंसा मुक्त हो जाएंगे, अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। रोग से, नशा से, हिंसा से, अज्ञान से मुक्त हो गए तो इस धरती पर स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। अज्ञान ही सब रोगों का, सब दुखों का, सारी विषमताओं का, अज्ञान के कारण से ही तो ये सारी विषमताएं हैं समाज के अंदर। अज्ञान से ही व्यक्ति लूट रहा है देश को, धोखा दे रहा है देश को, गद्दारी कर रहा है अपनी मातृभूमि के साथ, अपने वतन के साथ, अपने देशवासियों के साथ। ये अज्ञान के कारण से खैर लाखों करोड़ रुपए क्या करोगे तुम, आदमी की आवश्यकता कितनी, दो वक्त की रोटी, दो वस्त्र और दो गज जमीन, इससे ज्यादा इंसानों को कुछ काम में नहीं आता। दो वस्त्र, दो वक्त की रोटी, मूलभूत आवश्यकताएं जिसको कहा जाता है, सुविधाएं बहुत हो सकती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं दो ही हैं भाई बहनों। मूलभूत आवश्यकताएं दो क्या हैं, दो वक्त की रोटी। मैंने तो 15 साल से वो भी बंद कर दी, थोड़ा सा कुछ शाक सब्जी खा लेता हूं, लेकिन दो वक्त का आहार, दो वस्त्र और दो गज जमीन। आदमी सोए, चले, दौड़े, दो गज से ज्यादा जमीन काम नहीं आती एक समय, एट ए टाइम। जो हमारा अस्तित्व, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, वो दो गज से ज्यादा जमीन उसमें काम नहीं आती। जीते जी और मरने के बाद किसी को जलाया जाता हो या दफनाया जाता हो, दो गज से ज्यादा, विदेशों में तो मरने से पहले ही लोग अपने दफनाने की जमीन की भी रजिस्ट्री करवा के जाते हैं। दो गज से ज्यादा इंसान के जीते जी, आदमी 200 एकड़ जमीन में, मैंने देखा है लोगों के 2-2 हजार एकड़ जमीन में भी, 20-20 हजार एकड़ जमीन में, मैंने फार्म हाउस देखे हैं लोगों के,
20,000 एकड़ जमीन में फार्म हाउस बना रखा। 200 एकड़ जमीन में फार्म हाउस तो बना सकता है, लेकिन सोना पड़ेगा आदमी को दो गज में ही। कितना ही उसके पास में ऐश्वर्य हो, दो गज जमीन से ज्यादा इंसान के जीते जी और मरने के बाद जमीन काम नहीं आती। दो वस्त्र ऊपर और नीचे, और हम तो लंगोटी वाले हैं, हमारा तो एक वस्त्र में काम चल जाता है। ये तो आपके लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। धैर्यम यास पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशो पिवसनम् शय्या भूमितलं दिशो पिवसनम् ज्ञानामृतं भोजनम् येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना। जमीन पर सोना, आकाश भी ओढ़ना, दिगंबर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं दिगंबर साधुओं से मिलता हूं। मैंने कहा महाराज आप बड़े मस्त हैं, सब आवरण उतार फेंके, जैसे पैदा हुए थे वैसे के वैसे ही। लंगोटी में तो कभी कभी मेरा भी दिल करता है, इसलिए दिन में तो नहीं तो रात को सही, रात को लंगोटी में ही सोता। इतनी सा क्या आवश्यकता है। हाय हाय, आज आजकल तो वैसे भी आपस में भी मिलते हैं तो हाय हाय, ऐसी हाय लगी है। अरे आपस में मिलो तब हाय हाय मत बोला करो, नमस्ते बोला करो, ओम बोला करो, राम राम बोला करो, जय श्री कृष्ण बोला करो, कितने सुंदर सत श्री अकाल बोला करो, कितने अच्छे अच्छे नाम है। हाय, तेरे हाय लग गई। पहले बोलते थे हाय किसी को ना लगे, मैंने कहा अब तो आजकल सबको हाय लग गई है। हाय हेलो, हाय 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 लग गई सबको। ऐसे पूछो हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब है तेरी मां मर गई, हाय का मतलब है तेरा कुछ गड़बड़ हो गया। पहले किसी को बोलते थे हाय राम उसकी मां मर गई, हाय राम उसका बाप मर गया, हाय राम उसके, तो जो हाय हाय बोलेगा उसके गड़बड़ होगी। इसलिए आज के बाद कोई भी हाय हाय मत बोलना। ए बहनों तुम भी बहुत बोलती हो हाय हाय बाय। आजकल ये बच्चे भी मामा को चाटा दिखाते हैं, टाटा बाय बाय हाय हाय। अच्छे अच्छे नाम बोलो, चलो बैठो सीधे कवाल भाती कर लो, थोड़ा अनुलोम विलोम कराएंगे फिर बाद में। हाय हाय योग प्रति बनो स्वदेशी प्रति बनो। सेवा प्रति बनो। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए हमारे, कोई आज से पैदा हो रहे हैं हम, प्रवाह से अनादि ही। न जाने कितनी बार हम पैदा हुए, कितनी बार मरे, क्या हुआ है। हमसे पहले भी कितने पैदा हो चुके, कितने मर चुके हैं। इस समय भी करीब 700 करोड़ लोग हैं दुनिया के अंदर, ये भी मर जाएंगे, कौन याद रहेंगे दुनिया में जो कुछ करके जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम मर करके भी अमर हो जाओ। कीर्तिर यस्य स जीवति, कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया से जाने वालों जमाना याद करे तुम। बेटा बेटी याद करते हैं, सात पीढ़ियों के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। सात पीढ़ियों का लास्ट, सात पीढ़ियों के बाद कोई राजे महाराजे कहीं पुस्तक पुस्तकों में कहीं कुछ मिल गया हो तो ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। सात पीढ़ी के बाद मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें अपने पिता का नाम याद है ना, अपने बापू का, अपने फादर का, फिर उसके पिता के पिता का, दादाजी का नाम याद है, फिर उसके पिता का, प्रपिता का, पिता का, पितामह का, प्रपितामह का, तीन का याद है, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का,
सबकी बोलती बंद। सात पीढ़ियों पहले कौन हुए थे, तुम्हारी भी सात पीढ़ियां थोड़े दिनों में बीत जाएंगी। कुछ ऐसा करके जाओ जिससे कि युगों युगों तक भगवान राम कृष्ण बुद्ध और महावीर की तरह, महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद की तरह जमाना तुमको याद रखे। स्वामी विवेकानंद के, महर्षि दयानंद के कोई भौतिक वंशज थोड़ी थे। महर्षि पतंजलि के बेटे का नाम क्या था बोलो तो? महर्षि पतंजलि के पोते का नाम क्या था? महर्षि पतंजलि का पोता मैं हूं, उनका बेटे हम, उनके बेटे हम हैं, उनके बेटे और पोते हम हैं, सारे उनके बेटे पोते ही बैठे। अरे हम उनको अपना पिता कहने में, उनको अपना गुरु कहने में गौरव महसूस करते हैं। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही गुरु की भौतिक छाया ही नहीं, गुरु का प्रतिरूप हो जाता है शिष्य, और दोनों का भेद मिट जाता है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। बहुत्व में एकत्व और एकत्व में बहुत्व के दर्शन के द्वारा वो अपना जीवन उन्नत बनाते हैं और इस जगत को दिव्यता से भर देते हैं। ऐसा ही सबको होना है। आज से मैं आपको अपना वारिस, आज से आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। ये मात्र आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिल का संकल्प है। कोई दुनिया में व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसके उसका ब्रांड बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति ने मेरी ब्रांड वैल्यू निकालने की कोशिश की, बोलो बाबा बहुत ज्यादा हो गई। और कोई कंपनी अपने ब्रांड पर योग करने नहीं देती, क्योंकि यहां कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप मेरे चित्र का प्रयोग कीजिए, आप मेरे चरित्र का उपयोग कीजिए, आप मेरे ज्ञान का उपयोग कीजिए, आप मेरे नाम का उपयोग कीजिए। आज छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां जिन्होंने कोई देश की सेवा नहीं की है, बताना कोका कोला पेप्सी ने कौन सा यूनिवर्सिटी बनाई, कितने लोगों को आरोग्य दिया, किसी को कोई बीमारी मिटाई, बीमारी पैदा और कर दी कोका कोला पेप्सी वालों ने। इस देश के लोगों को जितनों को अर्थराइटिस हुआ कोका कोला पेप्सी पी करके, इन सब को कोका कोला और पेप्सी को प्रशूट करना चाहिए, केस करना चाहिए, इसको पी करके हमें अर्थराइटिस हो गया, इसको पी करके हमारे बच्चे मोटे हो गए, जितने भी मोटे बच्चे हुए उनको केस करना चाहिए कि इसको पी करके हमको मोटापा हो गया, अब हमारा मोटापा का इलाज करवाए, इसके लिए पैसे दे। कोका कोला और पेप्सी ने इस देश को को स्कूल में पढ़ाएं, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे ऐड बनाते हैं। क्या क्या कोका कोला पेप्सी ने, क्या क्या लक्स लाइफ बॉय ने क्या दिया इस देश को, कोलगेट, क्या कोलगेट ने, क्या कोलगेट कंपनी ने कोई गरीब लोगों के दांतों का इलाज हो जाए इसके लिए कोई हॉस्पिटल बना करके दिया है? बोलो, किसी बुजुर्ग के दांत लगा दिए जाए, चलो आजकल दांत तो सस्ते में ही लग जाते हैं, कोई बुजुर्गों के जिनके दांत निकल जाए उनके दांत ये लगा दे, कोई किया कोलगेट ने? इन किसी भी कंपनी ने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ भी तो नहीं किया। भाई बहनों, मैं आपसे बात ही कह रहा था, ये कंपनियां जिन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, दुनिया को लूटने के सिवा, देश को लूटने के सिवा, वो अपने ब्रांड का प्रयोग नहीं करने देती। आप कोलगेट का ब्रांड का प्रयोग करोगे ना, सैकड़ों करोड़ रुपए का आपके ऊपर केस ठुक जाएगा। मैं कहता हूं मेरे नाम का, मेरे ब्रांड का, मेरे सब कुछ का आप उपयोग करना, लोगों की सेवा करने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, लोगों को ऊपर उठाने में जाओ। आपको अपना सारा ब्रांड दे दिया, अपना यश दे दिया, सब कुछ तो आपको दे दिया, क्या मेरे पास तो जो कुछ है वो मेरा आध्यात्मिक साम्राज्य है, मेरी सेवा है, मेरा विश्वास है, वो सारा विश्वास, विश्वास से बड़ी चीज तो कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। मैं अपना सारा विश्वास आपको दे रहा हूं, सारा अपना आध्यात्मिक साम्राज्य आपको दे रहा हूं, और ये योगपीठ भी आप सबका है, आप सबके लिए है। मैं तो मात्र रखवाला हूं, पहरेदार हूं, चौकीदार हूं,
हमारे कार्यकर्ताओं की, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की और आजीवन सेवाव्रति, उनका एक एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो रही है देश के लिए। कपालभाति पूरा हो गया, बाह्य प्राणायाम कराते हैं, उज्जाई और अनुलोम विलोम कराते हैं। बस एक बात ये कह रहा हूं, इस जैसे माँ बाप कहते हैं ना, बेटा तुम कुछ भी काम करना, खूब आगे बढ़ना, खूब मेहनत करना, लेकिन कुछ ऐसा ना करना जिससे अपने कुल पर कलंक लगे। तो मेरा वंश तो ऋषियों का वंश है, हम सब भारतवंशी, हमारे भीतर जो खून है, हमारा खानदान ऋषियों का खानदान है, हमारे सबके पुरखे। आज हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी नाम से जाने जाते हैं, हम सबके पुरखे एक हैं। अपने उन पुरखों की लाज रखना, अपने ऋषि संस्कृति पर, अपने देव संस्कृति पर, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कोई कलंक ना लग जाए, कुछ ऐसा काम नहीं करना, ये सबके लिए एक जैसी बात है। हम कुछ भी गलत काम करते हैं उसका असर हमारे ऊपर नहीं, उसका असर अपने ऋषियों की स्कूल खानदान पर, इस भारत माता पर उसका असर पड़ता है। मैं एक व्यक्ति ने, मैं इस राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। खैर ये बात आपके लिए थी, आइए भाई प्रणाम करते हैं। बीस सेकंड रोका करो, होल्ड किया करो, तीन बंद के साथ। से पांच बार रोज बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार, फिर उज्जाई कराएंगे मूलाधार से सस्त्रार तक। मैं कह रहा था शक्ति के केंद्र ये, भक्ति प्रेम करुणा वात्सल्य के केंद्र, अजय चक्र ज्ञान का सस्त्रार, ब्रह्म ज्ञान का केंद्र। ये देह देवालय शिवालय, सारा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां, सब ज्ञान, सब कुछ अपने भीतर है। योग से अंतर की शक्तियां जागती हैं। 95% से लेकर के 99% तक हमारे भीतर की शक्तियां, हमारे भीतर का ज्ञान शांत अवस्था में होता, साइलेंट मोड पर होता है योगाभ्यास से। वो भीतर का सब कुछ जागृत होता है। ऐसे 15-20 बार से लेकर के 30 बार तक पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, सांस को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया अग्निसार। ये अग्निसार तीन बार पांच बार कर सकते हैं, नौली क्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। Thank you.
सा समय लगता है, जरूरी नहीं है। उठ जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। और एक लाभ प्राणायाम का, मैं कह रहा था योग का क्या लाभ है, योग का लाभ है हमारी, हमारा बाह्य अस्तित्व, हमारा आंतरिक अस्तित्व, हमारी दिखने वाली सत्ता और न दिखने वाला हमारा अस्तित्व, वो दोनों ही दिव्य हो जाते हैं। दिव्य शरीर, दिव्य मन, दिव्य जीवन। और एक एक स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल से लेकर के एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा हेल्दी हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। और इतना ही नहीं, हम अपने इस दैहिक शक्तियों को तो प्राप्त करते, अतिंद्रिय शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। कितना बड़ा फल है योग का। और कोई विकार जीवन में रहता ही नहीं, कोई अंधकार जीवन में रहता ही नहीं। चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, निरंतरता के साथ करना। सबको करना है, गरीब को, अमीर को, किसान को, मजदूर को, कारीगर को। शारीरिक श्रम बिल्कुल अलग है, प्राणायाम और ध्यान बिल्कुल अलग है। सबको योगी बनना है, सबको आत्मज्ञानी बनना है। निरंतरता के साथ करते रहें। अब मैं कुछ इस योग के आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ कुछ और भी बात कहना चाहूंगा। योग के बहुत पक्ष है, तनाव प्रबंधन, जीवन प्रबंधन, व्यापार प्रबंधन, सब योग के साथ जुड़े। योग एंड लाइफ मैनेजमेंट, योग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये बहुत विषय है जिसके बारे में आप जब सोचते हैं तो योग से उत्पादकता बढ़ती है, योग से आरोग्य बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, सृजनात्मकता, सकारात्मकता, गुणात्मकता बढ़ेगी। योग से हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। एक आदमी 100,000,00,000,00,00,000 के बराबर काम करने में समर्थ हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है। आरोग्य बढ़ेगा, हेल्दी होगा आदमी, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, वो ज्यादा क्रिएटिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ऊंची होगी। अनेक विषयों के योग के साथ जोड़ करके आप लोगों को एक्सप्लेन करना, समझाना, अनुलोम विलोम करते रहो। आपको ये विषय दिए गए हैं, अनुलोम विलोम करते करते मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने बताया, योग और तनाव प्रबंधन, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसटीएच, ये जो स्ट्रेस हार्मोन से प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्दीत करने से कम हो जाते हैं।
इससे और जो बीमारियां ठीक होती है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन ठीक होता है, पार्किंसन ठीक होता है, पैरालिसिस ठीक होता है, एपिलेप्सी ठीक होती है, ये सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक हाइपोथैलेमस सिस्टम इससे बैलेंस हो जाता है, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है, एक एक सेल की रिसेप्टर्स कैरेक्टर पूरा स्ट्रक्चर इससे ठीक हो जाता है। मैं कह रहा था हमारे सेल से लेकर के पूरा सिस्टम हेल्दी हो जाता है। मैं मेडिकल साइंस के लक्ष्य, मेडिकल साइंस का उद्देश्य, मेडिकल साइंस के काम के बारे में बात कर रहा था, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्रोनिक मैनेजमेंट, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, और उसके बाद में एक काम और, दो काम और बच जाते हैं, रिहैबिलिटेशन एंड पलिएशन। मेडिकल साइंस के इन सात कामों में एक्यूट मैनेजमेंट में भी, जैसे अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो भी अनुलोम विलोम अद्भुत लाभ करता है। मेडिकल साइंस के सात कामों में, छह कामों में तो 100% योग लाभ करता है, और जो है एक्यूट मैनेजमेंट में हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा भी लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, सारी पैथियां तो मनुष्य के हित के लिए हैं, लेकिन अपनी पैथी इसको सर्वोपरि महत्व दो, अपनी मां को सर्वोपरि सम्मान दो, अपनी मां को सम्मान देते हुए, अपनी मां को सर्वोपरि सम्मान देते हुए हम सब माताओं का सम्मान करते हैं, इसमें हमारी प्रतिष्ठा है। अपनी मातृभूमि, अपने देश की रक्षा करते हुए हम पूरे विश्व के हितों की बात करते हैं, पहले हमारा राष्ट्रीय फिर वैश्विक के हितों की बात करते हैं, तो हमें शोभा देता है, और यही हमारा संविधान और यही दुनिया का विधान कहता है। ऐसे ही हमारा अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद को ये विरोधी विचारधाराएं, विरोधी तत्व नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते मैं आपसे बात कर रहा था, हम सब पैथियों का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे पहले योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और अपने वैदिक ज्ञान का सम्मान करते हैं। हमारे ही पूर्वजों ने पूरी दुनिया को सृष्टि के आदि काल से ही सबसे पहले संस्कृति दी, सभ्यता दी, भाषा दी, वेशभूषा दी, चिकित्सा व्यवस्था दी, शिक्षा, कानून, न्याय व्यवस्था दी। हमारे ही पूर्वजों ने धरती से लेकर के ब्रह्मांड तक के सब रहस्य पूरी दुनिया के लोगों को बताए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। ये अपने भीतर गौरव होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। किसी भी देश की उत्थान का सबसे बड़ा, सबसे सशक्त और सबसे मजबूत यदि कोई पहलू होता है, वो आधार होता है, तो होता है स्वाभिमान। और जिसका स्वाभिमान मिट जाता है, वो व्यक्ति, वो राष्ट्र, वो संस्कृति, वो सभ्यता समाप्त हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए, स्वयं से जोड़ते हुए मैं स्वाभिमान की भी बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था योग के अनेक पक्षों की। योग से मैं का बोध, अपनी मैं का सम्य दर्शन, अपने अस्तित्व का बोध, मैं कौन हूं, और अपने ही स्वरूप का सम्य दर्शन। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एको वसी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। बहुत्व में एकत्व, संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें एक ही वो शक्ति है, उसी की शक्ति से, उसी की ज्योति से आलोकित है सारा। बहुत्व में एकत्व, एकत्व में बहुत्व, सर्वत्र समदर्शिना, सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन। ये ऊंची चेतना निरंतर बनी रहे। योग के बहुत पक्ष हैं, अष्टांग योग से लेकर के, क्रिया योग से लेकर के, समाधि योग से लेकर के, राजयोग से लेकर के, सांख्य योग से लेकर के, गीता के विषाद योग से लेकर के, मोक्ष संन्यास योग तक, योग बहुत व्यापक क्षेत्र है। योग में एक एक जो क्रियाएं हैं, अब प्राणायाम के द्वारा सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम करो, उसका फल मिलेगा, अष्टांग योग का पालन अपने आप होगा। हमारे जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पांच जो सात नियम और पांच नियम, पांच यम, पांच नियम, ये जो दैवी संपदाएं हैं, ये अपने आप प्राप्त होने लगते। हमारे भीतर ही शुभ भी है, अशुभ भी है, प्रकाश भी है, अंधेरा भी है, सुख भी है, दुख भी है, शांति भी, अशांति भी है, रोग भी है, आरोग्य भी है, सब कुछ अपने भीतर है। योग करने से ये जो दैवी शक्तियां हैं, ये जागने लगते हैं अपने आप। जैसे सूर्य के उदय होने से सारा प्रकाश फैल जाता है और अंधेरा अपने आप छट जाता है, ऐसे ही योग से अहिंसा, सत्य आदि
अपने आप सिद्ध होने लगते हैं, उनका फल भी मिलता है। योग दर्शन में विस्तार से इसके बारे में चर्चा है। अहिंसा प्रतिष्ठां तत्सन्निधौ वैरे त्याग, सत्य प्रतिष्ठां क्रियाफलाश्रित्व, अस्ति प्रतिष्ठां सर्वरत्नोपस्थानम्, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठां वीर्यलाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंता संबोध, शोचात सौंग जुगुप्सा परहिर संसर्ग, सत्व शुद्धि सौमनस्य, सब कुछ भीतर से अपने आप होगा। समाधि सिद्धि ही अपने आप होगी। आप प्राणायाम कीजिए, मैंने कहा प्राणायाम एक बीज बोना है, बीजारोपण कीजिए, वृक्ष अपने आप होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे 5-10 मिनट लगातार करने का अभ्यास होना चाहिए। रुक जाइए थोड़ा, चलिए दोनों हाथ कंधों पर रख लीजिए। देखो अब मैं थोड़ी देर रोगों की बात करता हूं। योग के अनेक पक्ष, योग का पूरा सिद्धांत, योग से कुंडलिनी जागरण से लेकर के और ये पूरा का पूरा योग कैसे आपको सिखाना है वो आपको बताया गया है, जिससे कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योग का संदेश पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुंचा सके, वैज्ञानिकता के साथ पहुंचा सके। अब मैं थोड़ी आयुर्वेद की बात करता हूं। आयुर्वेद भी भगवान की दिव्य शक्तियों से भरी हुई चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं, संजीवनी शक्ति है उनमें। एक एक जड़ी बूटी का उपयोग करना है, वो गिलोई तुलसी एलोवेरा तो घर घर में लगाना, और भी जितना हो सके जड़ी बूटियों के बारे में जानना, उसके लिए अरवी जड़ी बूटी रहस्य औषध दर्शन और सामान्य रूप से तो मार्गदर्शन इसी के अंदर ही दिया गया। हमारे सपनों का भारत में घरेलू उपचार भी दिया गया, राष्ट्र धर्म के साथ साथ स्वास्थ्य धर्म के बारे में भी पूरी बातें हैं इसके अंदर। भाई बहनों, मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें और कहना चाहता हूं। देखो अब जैसे इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन के समय ऋतु के संचित दोष निकलने लगते हैं अंदर से, अपने आप ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती है। ऋतु के संचित दोष आप देखना, हर एक ऋतु के प्रारंभ में और अंत में, क्योंकि एक ऋतु जाती है दूसरी ऋतु आती है, तो आपके शरीर के जो संचित दोष है, अंग्रेजी में उनको टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में उसको विजातीय तत्व कहते हैं। अपने शरीर में विजातीय तत्व इकट्ठे होते रहते हैं। देखो दो तरह का कचरा हमारे भीतर इकट्ठा होता है जो हमारे लिए खतरा बनता है, एक शरीर के स्तर पर एक मन के स्तर पर। शरीर का कचरा तो फिर भी निकल जाता है, कुछ चीजें नहीं निकल पाती हैं, एक बार शरीर में चली गई फिर वहीं डिपॉजिट हो जाती हैं। आहार के रूप में जो हम कचरा डालते हैं वो हमारे लिए खतरा बनता है, इसलिए खराब आहार मत लीजिए। अरे आहार के रूप में जो मतलब कोई भी पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में जो भी हमने डाला वो अंदर, अब एक बूंद कोबरे का विष अंदर चला गया आदमी बचेगा बोलो? अरे कोबरे का तो एक बूंद है, साइनाइड ऐसे जीभ पर लगाओ और टेस्ट करके बता दो कैसा था, बोलो? बोले बाबा क्या सिखा रहे हो आप सुबह सुबह। एक ऐसे चखने से ओ मर जाता आदमी, ये पदार्थ का प्रभाव है। जैसे पदार्थ का प्रभाव बड़ा प्रभावशाली है, ऐसे ही जीवन में गुरु तत्व, योग तत्व का और श्रद्धा का, ज्ञान का प्रभाव भी इतना ही प्रभावशाली है, बशर्ते हम उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लें। ये बात, बस एक बार गुरु का दर्शन हुआ और जीवन की धारा ही बदल गई, विचारधारा ही बदल गई, प्रवाह बदल गया। यह है गुरु तत्व का काम, रूपांतरण करना, बस रूपांतरित हो गए निम्न चेतना से उच्च चेतना में, पशुता से मनुष्यता, देवत्व अति मानवत्व में, मानव से महामानव बन गए। यही तो करना है, होना है। भाई बहनों अब मैं प्रभाव की बात करता हूं, योग का प्रभाव, योग का फल। योग करेंगे तो बच्चे स्वस्थ बनेंगे, बलवान बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे, हाइट अच्छी रहेगी, एसेट अच्छी रहेगी। योग करेंगे तो आप एक आदर्श माँ बनेंगे, आदर्श पिता बनेंगे। मैंने कहा था आदर्श माँ और आदर्श पिता कौन? जो अपने से योग्य संतान, चरित्रवान, निष्कलंक, वेदाग संतान इस दुनिया को देकर के जाएं। आदर्श पुत्र और आदर्श पुत्रियां, आदर्श बेटे और बेटियां कौन? जो अपने माता पिता का यश कई गुना बढ़ा दें। आदर्श शिष्य कौन? जो अपने गुरु का नाम पूरी दुनिया में फैला दे। आपको भी एक आदर्श गुरु भी बनना, आदर्श शिष्य भी बनना है।
आदर्श शिष्य मैं अपने आप अपने मुख से अपने बारे में नहीं कहना चाहता, मैं अपने आप को शिष्य कहने में तो गौरव महसूस करता हूं, आत्म प्रशंसा करता हूं, अभी इस बात को आपको कुछ प्रेरित कहने के लिए कह रहा हूं। मैं अपने आप को शिष्य कहने में तो गर्व करता हूं क्योंकि मैंने अपने गुरु का, अपने गुरु परंपरा का, अपनी ऋषि परंपरा का, अपनी देव संस्कृति का, अपने भारत का नाम कहीं ना कहीं दुनिया में अच्छा करने की कोशिश की है जितना मुझसे बन पाया। पूरी दुनिया के 200 देशों तक अपने ऋषियों की ज्ञान को लेकर के गया हूं। मैं एक अपने आप को शिष्य कहने में मुझे गौरव की अनुभूति होती कि मैं उस गुरु परंपरा का एक अनुशासित शिष्य का जीवन जीने का 100% पूर्ण प्रयत्न करता हूं और उसमें जीता हूं, लेकिन मैं अभी गुरु नहीं बन पाया। मैं गुरु तब बनूंगा जब जो मैं कर रहा हूं वो आपने किया, क्योंकि गुरु खुद नहीं बनता है, शिष्यों से कोई गुरु बनता है। पिता खुद थोड़ी बनता है आदमी, पुत्रों से पिता बनता है, बेटा बेटियों से मां बनती है। मां मां तो बेटे और बेटी होने से है, बेटा और बेटी नहीं होगी तो मां कैसी। तो शिष्य से गुरु कहलाता है। तो मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा गुरुत्व, मेरा आचार्यत्व वो आपके हाथों में है। प्रतिनिधि प्रतिरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर भी ऐसे सेवाव्रती भाई बहन आ रहे हैं और उन सेवाव्रती भाई बहनों को यहां तैयार करने की जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव जो खुद उनको संभालते हैं, और मैं तो यहां पर रहूंगा ही। मैंने अभी आगे के कार्यक्रमों का ऐसा स्वरूप तय किया है कि महीने में कम से कम 10 दिन मैं यहां रहूं और ऐसे 1000 से ज्यादा अपने जैसे योगी सन्यासी तपस्वी सेवाव्रती भाई बहन तैयार करो जो जाकर के इस देश और दुनिया के अंधेरे को मिटाने के लिए काम करें। यह भी कार्य चलेगा यहां से, लेकिन अब ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो एक आचार्यों का नहीं अनेक आचार्यों का कार्य है। श्रद्धेय गुरुदेव इसमें लगे, पूज्य आचार्य शिवाक्षण जी का मार्गदर्शन इसमें रहेगा। मैं भी, मैंने कहा महीने में कोशिश करूंगा 10 दिन मैं यहां पर रहूं, लेकिन यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इन सब हमारे सेवाव्रती भाई बहनों को जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया कि हमें गुरु के लिए जीना है, हमें राष्ट्र के लिए जीना है, हमें भगवान के लिए जीना है, अपने ऋषियों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जीना है, देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, पूरी मानवता के लिए, जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया मुझे 10-20 लोगों के सुख के लिए नहीं जीना, मुझे तो 121 करोड़ भारतीयों के लिए और 7 अरब दुनिया के लोगों को सुख देने के लिए जीना है, ऐसा ऊंचा संकल्प जीवन का तुच्छ उद्देश्य बना लेना है तो जीवन का तिरस्कार अपमान है। बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जीना, ये इस जीवन की पूर्ण उपयोगिता, और इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। हम जीवन भर 5-10 से ज्यादा लोगों को बहुत बड़ा सुख नहीं दे पाते हैं और हमारी विरासत को वही भोगते हैं, हमारे उत्तराधिकारी वही बन जाते हैं। तो मैं आपसे भी आह्वान करूंगा, ऐसे युवक युवतियों से जो पूरा जीवन इस विराट उद्देश्य के लिए, भगवान के लिए, देश धर्म और संस्कृति के लिए, सेवा के लिए जीना चाहते हैं, उनको यहां आमंत्रित करता हूं। और श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री और हमारे विद्वानों को इस कार्य में लगा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे साथ यहां पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज बैठे हैं, उन सेवा व्रतियों को तैयार करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको भी हम सौंप रहे हैं। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें मैं कहता हूं 1000 से ज्यादा भाई बहन तैयार होंगे, और मैं तो आपको भी उसी स्वरूप में तैयार करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, आप 5-7 दिन से ज्यादा मेरे पास रुक नहीं पाते हैं। बच्चे को मां भी तैयार करती है तो 9 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद तो उसको तैयार करने में फिर बहुत दिन लगते हैं, तो हम भी 9 महीने के भीतर
एक ऐसी शक्ति यहां पर खड़ी करना चाहते हैं, ऐसे ऋषि पुत्र, ऐसे देव पुत्र, ऐसे भगवान के ऊंची संतानें जो इस जगत को दिव्यता से भर दें, वो यहां से तैयार होंगी। और मंथन शिविर के बाद युवा शिविर, और उसके बाद में ये काम बहुत बड़े पैमाने पर यहां से होने वाला है। चलिए एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, इसके बाद भ्राम रुद्र गीत प्राणायाम होगा और उसके बाद व्यायाम होगा। कुछ तो अभी व्यायाम करने में लग गए, बैठ जाओ बहनों, जब व्यायाम करवाया जाए तब कर लेना। बैठो बैठो, अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ी देर करवाते हैं। अभी मैं कुछ आयुर्वेद के बारे में, कुछ सीजनल बीमारियों के बारे में आपसे बताना चाहूंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लय के साथ करना। मैंने कहा हम सब भगवान के हैं, जीवन पर पहला अधिकार भगवान का, उसने तो जीवन दिया है। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मैत्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति कर्मणि वाम वेशाय वाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे, निरंतरता के साथ करेंगे, आंखें बंद करके सहजता के साथ 5-7 मिनट लगातार करने का अभ्यास कीजिए हर दिन। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-7 मिनट करना, आराम आराम से करना, तनाव के साथ नहीं, एकदम सहज होकर के करना। श्रद्धा के साथ एक अनुष्ठान की तरह प्राणायाम को करना। मैं बात कर रहा था योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा की। ये योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा हमारी है, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है, ये भारत की है, ऋषियों से हमको मिली है, अपने पुरखों की विरासत है, उनकी धरोहर है, इसलिए नहीं, इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें प्रामाणिकता है, इसमें सबका हित है। इतनी प्रभावशाली है, इतनी इफेक्टिव है, इतनी साइंटिफिक है, इस सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, शाश्वत है, नित्य है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे। सीजनल बीमारियों के लिए, मौसम की में जो अलग अलग बीमारियां होती है, उसमें सबसे बड़ी बीमारी सर्दी जुकाम बुखार, इसके लिए गिलोय तुलसी इसका काढ़ा पिए, सर्दी जुकाम बुखार एक साथ ठीक हो जाते हैं। ज्वरनाशक क्वात, गिलोय का क्वात, ये आपको चिकित्सालयों में, आरोग्य केंद्रों में भी हम उपलब्ध कराते हैं। ज्वरनाशक क्वात एक बार लेने से कैसे बुखार ठीक हो जाता है, कुछ फर्स्ट एड के रूप में, कुछ इमरजेंसी के रूप में, कुछ घर में हम दवाएं रखते हैं बुखार की, उल्टी की, दस्त की, आयुर्वेद की दवाई रखा करो। ये जो है ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी, पंचकोल का काढ़ा, ये कुछ चीजें तो घर में हमेशा रहनी चाहिए। पीपल पीपरामूल चित्तक सभ्य सूर्य, ये पंचकोल, ये तो जो है सबके लिए उपयुक्त है। जरनाशकवात मैंने कहा हर घर में रखा करो, पंचकोल ये हर घर में रखा करो, त्रिकुटा सीतोपलादी स्वासारी 20-20 ग्राम, अबरक 5, प्रवाल 5, अमृता 10, ये मिलाकर के सहज से खा लो, कैसे सर्दी जुकाम बुखार हो पूरा एकदम ठीक हो जाता है। हमारे जस साहब बैठे हैं भाई ओम प्रकाश जी, बोले बाबा जी इतना भयंकर बुरी हालत हो रही है, लगता है कुछ एलोपैथी की तो दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने कहा खाली 3 बार आप ये ले लो, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, स्वासारी 20 ग्राम, प्रवाल 5, अबरक 5, अमृता 10, इसमें बहुत ज्यादा होने पर, क्रॉनिक होने पर थोड़ा स्वर्ण संत मालती मिला दे, ये हम सेहत से चटाने के लिए देते हैं, ऐसे ही त्रिकुटा ही चाट लो, 3 बार चाट लो, सर्दी जुकाम बुखार में एकदम आपको आराम मिल जाता है, सर्दी जुकाम बुखार। और ये ज्वरनाशक वात कड़वा थोड़ा होता है, 1 चम्मच पी लो, कैसा ही बुखार हो, और गिलोय ये तो अद्भुत है, ये तो जब भी सर्दी जुकाम बुखार हो यही दीजिए। जितने भी हम एलोपैथी की दवाएं लेते हैं उन सबके साइड इफेक्ट्स है। मैं कह रहा था
कचरे के रूप में सब इकट्ठा होता रहता है। अनुलोम विलोम करो करो करो, थोड़ा लंबा करने की आदत डालो। कचरा खतरा है, वो आहार के रूप में हो चाहे विचार के रूप में हो। विचार के रूप में तो बहुत भयंकर खतरा होता है, एक विचार भीतर घुस जाता है जिंदगी भर नहीं निकल पाता। आहार तो चलो निकल भी गया, आज खाया कल निकल जाता है, ये विचार तो निकलता ही नहीं। इसलिए आहार से लाख करोड़ गुना ज्यादा सावधानी रखो विचार के प्रति। एक जरा सा आहार अंदर गलत गया तो जैसे आपको बीमार कर देता है, ऐसे ही जरा सा गलत विचार अंदर चला गया तो जीवन भर के लिए आपको अंधकार की ओर धकेल देता है। एक क्षण के लिए भी गलत विचार अंदर ना जाए, तन में मन शिव संकल्प मस्त। श्रावण महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना का, शिवत्व को पाने का महीना है। तन में मन शिव संकल्प मस्त, सबको शिव संकल्प में जीना है। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आपके जीवन में अज्ञान ना आए, निराशा ना आए, संशय ना आए, भ्रम ना आए, भ्रांति। अज्ञान भीतर से भी पैदा होता है, बाहर के लोग भी पैदा कर देते हैं। नास्तिकता का भाव, कर्मफल व्यवस्था में, पुनर्जन्म में, भगवान में, भगवान की न्याय व्यवस्था में अविश्वास कोई भी पैदा कर देता, अपने भीतर से भी पैदा हो जाता। संशय अज्ञान अपने भीतर से भी पैदा होता है, कुछ दूसरे लोग अपने भीतर संशय और अज्ञान पैदा करते हैं, इससे सावधान रहना है। सीजनल बीमारियों के लिए मैंने आपको बताया, आप इसका पूरा प्रयोग करना। भाई बहनों, गिलोय तुलसी इतना अद्भुत है, इसका प्रयोग सीजनल बीमारियों के। बाकी ऋतु परिवर्तन के समय खान पान में बहुत ध्यान रखें। जैसे वर्षात है तो दही ना खाया करें, दही और छाछ वर्षात में अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब किसी किसी की प्रकृति के ही थोड़ा अनुकूल आ जाता है रोज खाने से। जैसे दक्षिण के लोग रोज थोड़ा सा दही या छाछ लेते हैं चावल के साथ, क्योंकि वहां का जो वो गर्म प्रदेश है तो वहां की जो जलवायु है वो ऐसा ही है, उसमें अनुकूल भी आ जाता है। खैर, जलवायु परिवर्तन, मैं तो ऐसा मानता हूं साल में कम से कम 12 महीने होते हैं ना, साल में कम से कम 12 महीने में 12 दिन घर से बाहर रहा करो तो ठीक रहोगे, नहीं तो घुट घुट के मरोगे। कहां आए, पतंजलि योगपीठ में आ जाए, चलो थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। जलवायु परिवर्तन भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलवायु परिवर्तन। और मैंने कल ही सोचा था, विचार तो बहुत दिनों से चल रहा था, अब मैं उसको बता देना चाहता हूं। अभी जुलाई महीने चल रहा है, अगस्त महीने में शिविर शुरू हो रहे हैं, पहले चिकित्सालयों का, फिर सदस्यों का, फिर मंथन शिविर और फिर युवाओं के लिए शिविर। उसके लिए भी मैं पुनः आह्वान करता हूं, जो देश धर्म संस्कृति के लिए, पूरी मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस धरती पर भगवान का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, इस धरती के ऊपर स्वर्ग का साम्राज्य लाना चाहते हैं, शैतानी शक्तियों के स्थान पर, असुरत्व के स्थान पर देवत्व को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, सब युवकों का, युवतियों का, जो युवा शिविर है उसमें युवक और युवतियां दोनों को यहां हमने साथ साथ आमंत्रित किया है। मैं एक बात कहना चाह रहा था, ये शिविरों के बाद फिर सत्याग्रहों के लिए शिविर रखा है, कुछ दिन फिर विदेश प्रवास पर हम जा रहे हैं। एक निरंतर हम एक अगले महीने उसका पूरा एक जो है क्रम ही दे देंगे, निरंतर पतंजलि योगपीठ में 5 दिन का रखें या 7 दिन का, एक शिविरों का प्रवाह चलता रहे जो कभी टूटे ही नहीं। लोग निरंतर आकर के यहां गुरु आश्रम में 5-7 दिनों के लिए योग करते रहें, पूरे देश भर से लोग आते रहें, हर जिले से लोग आते रहें, बोलो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, 5-6 दिन का रख दिया जाए, 1 सप्ताह का, तो इसकी पूरी विधिवत घोषणा हम श्रद्धे आचार्य श्री का जन्मदिन आ रहा है उस दिन हम कर देंगे। अगस्त महीने में इसकी घोषणा हो जाएगी और सितंबर महीने में चालू हो जाएगा। और यहां पर मैं रहूंगा तो मैं उसमें स्वयं आऊंगा कक्षा में, और मैं न रहा तो यहां
हमारे बहुत ही विद्वान तपस्वी सन्यासी स्वामी गणेशानंद जी महाराज, जिनको हम अपना ही प्रतिरूप मानते हैं, वो ये कक्षा लेते रहेंगे निरंतर। हम तो अभी 1000 उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं भाई। जयदीप जी, भाई राकेश जी, बहन सुमन, हमारी बहुत बहने, बहुत हमारे सेवाव्रती भाई, सेवाव्रती बहने, वो सब हमारे ये उत्तराधिकारी हैं। सब आप सब हमारे उत्तराधिकारी हैं। पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, मैं तो सबको, मैं जो पहली बार गुजरात में गए थे, एक संस्था वहां पर है अनुपम मिशन, पूज्य जस भाई साहेब, पूज्य शांति भाई, अश्विन भाई, एक भाइयों की लंबी श्रृंखला है जो हाईली एजुकेटेड, सब डॉक्टर इंजीनियर आदि हैं, सब वो सेवा करते हैं और एक दूसरे को सब पूज्य बोलते हैं। मैं शुरू में किसी अपने छोटे को पूज्य बोलूं तो मुझे अखरसा था। वहां जाकर के मैंने देखा गुरु अपने शिष्यों को पूज्य बोल रहा है, तो तब से मुझे लगा सारी सृष्टि के प्रति हमें पूज्य भाव रखना चाहिए। मैंने कहा भी वहां, मैंने कहा ये बहुत ऊंचा भाव मैंने यहां से सीखा, आप भी यहां से सबके प्रति पूज्य भाव लेकर के जाएं। पति के प्रति माताएं पूज्य भाव रखती हैं, लेकिन ये पति जो है पत्नी के प्रति पूज्य भाव नहीं रखते। तो जैसे वो आपको परमेश्वर का स्वरूप मानती हैं, मैं आपसे कहूंगा आप भी उसको माता भगवती का, माता सीता का, माता पार्वती का, लक्ष्मी का, सरस्वती का रूप मानना। सब एक दूसरे के प्रति पूज्य भाव रखो। हम कहते हैं पत्नी को पति को प्रणाम भी करना चाहिए, वो महीने में 30 दिन करती है तो एक दिन तुम भी झुक लिया करो, क्या दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने तो ऐसा करना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा कब करते हो, बोले जब सोती रहती है ना तब कर लेता। चलो मैंने कहा कहीं शुरू तो किया। बहने बहुत खुश हो रही है कि किसी ने तो उनके पाद स्पर्श के लिए कहा। तो खैर वो करवाती नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान ऐसा होना चाहिए। खैर मैं आयुर्वेद की बात कर रहा था। सर्दी जुकाम बुखार उल्टी 10 दिन सबके लिए भी आयुर्वेद में, जैसे किसी को दस्त लग जाते हैं, कुर्जरिष्ट पिला दो, अनार खिला दो, खिचड़ी और दही खिला दो, दस्त एकदम बंद हो जाते। कुर्जरिष्ट घर में रखा करो। जैसे मैंने कहा पंचकोल, सर्दी जुकाम बुखार ये घर में होना ही चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, अपने साथ ही रखना चाहिए। कभी भी इसको बस कहीं पर भी, चाय की दुकान तो मिल जाती है, आप चाय की दुकान पर आप चाय पी सकते, तो इसको उबाल के नहीं पी सकते, कहीं पर जाए इसका काढ़ा बना के पी सकते, नहीं तो स्वासारी त्रिकुटा, स्वासारी त्रिकुटा सितुपलादि प्रवाल अभ्रक इसको मिला करके रख। जैसा और गिलोई, गिलोई की तो गोली रख सकते हैं ना, ये गिलोई घनवटी ये तो गोली रख सकते हैं सर्दी जुकाम बुखार सबके लिए, दो गोली खा ली बुखार कभी सर्दी जुकाम हो गए। आंवले का रस, उसका तो अभी आपको पाउच पैकिंग भी मिलने लग गया है, पहले तो आप आंवला ले जाने में दिक्कत होती थी, तो आंवले का ही पाउच पैकिंग जो है आंवला अमृत करके मिलने लग गया है। और अगस्त सितंबर महीने में आपको पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो हम नए नए उपहार आपको देते रहते हैं, तो पतंजलि के आपको करीब बहुत जल्दी ही 20-25 नए उत्पाद भी मिल जाएंगे, कुछ आपने जोड़े, कुछ बहुत वर्षों से लोगों की मांग थी, डिमांड थी, वो पूरी हो जाएगी। अब जैसे ये इसमें रत्ती भर भी कोई वो नहीं होता है, कोई भी चीज को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, लंबे समय सुरक्षित रहे, नहीं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो इसमें 1% भी कोई बैक्टीरिया नहीं पैदा होता है और इसमें 1% भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज बन गई है। और मूल्य मात्र 5 रुपए, 5 रुपए में तो गुटखा आता है मारने के लिए, ये तो जीवन देने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए। जो आंवले का सेवन करता है, चरक संहिता में सबसे पहले आंवले को ही रसायन के रूप में कहा है,
और वहां पर उसकी लंबी प्रक्रिया है कि फिर वो रसायन के रूप में जितने आंवले का सेवन करो उतने ही वर्ष तक उसकी आयु सुरक्षित रहती है। जो आंवले का नियमित रूप से सेवन करते हैं, मैं इतनी सी बात तो जरूर कह सकता हूं, उन्होंने तो कहा जितना चाहे उतनी उम्र तक वो जीवित रहता है। मैं आपको इतना कहूंगा 100 वर्ष तक उसको कोई रोग नहीं होता है जो आंवले का सेवन करता है, न आंख का, न पेट का, न दिल का, न स्किन, कोई बीमारी नहीं शरीर में। इतना अद्भुत है आंवला अमृत, ले लेना। खैर, कुछ नित्य प्रयोग की वस्तुएं हैं, कुछ औषधि के रूप में है। मैं कह रहा था इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आप जैसे एकदम से दस्त हो गए, खुरदारिश रखो, अनार का प्रयोग कर लो, दही और खिचड़ी का प्रयोग कर लो, मूंग की दाल और चावल बराबर लेके खिचड़ी बनाओ, उसको एकदम से दस्त की आप एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। खुरदारिश एक पीने की लिक्विड होती है, आशा वरिष्ठ जो होते हैं ना। अभी बहुत कुछ और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्दी जुकाम बुखार ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा संकेत किया। इसी तरह से सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द दो ही चीजों से होता है, 99% वायु पित्त और कफ बढ़ने से। तो जब भी सिर में दर्द हो उल्टी कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। वमन क्रिया भी आपको कल सिखा दी जाएगी, जल नेति और सूत्र नेति भी आपको कल सिखाया जाएगा। जल नेति, सूत्र नेति, वमन, ये जो योग में शुद्धि की कुछ क्रियाएं, आपको एकदम सिर में दर्द है अब उल्टी कर लीजिए, 99% आपका दर्द ठीक हो जाएगा। बादाम रोगन नाक में डाल लीजिए, दिव्य धारा के रूप में पतंजलि बाम, ये भी हमने आपको उपलब्ध कराई, थोड़ा पैकिंग बड़ा था उसका, छोटा पैकिंग भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। दिव्य धारा एकदम लगाते ही ऐसे उसमें जो है अजवाइन का सत, ऐसे ये लगाने में भी सुविधा रहे इसलिए इसका पैकिंग चेंज कर दिया गया है, इसको ऐसे ही लगा सकते हैं माथे के ऊपर। और इसमें अजवाइन सत, पीपरमेंट और कपूर, नारियल का तेल, लौंग का तेल, ये चीजें हैं, बस ऐसे लगा लो एकदम से। दक्षिण में लोग ये बाम आदि बहुत लगाते हैं, सिर में दर्द के लिए भी बहुत अच्छी, किसी बहुत इफेक्टिव जो है, थोड़ा बड़ा पैकिंग है, घर में रखा रहा है सालों साल, इसको कोई जो है खराब थोड़ी होता है, इसको आप प्रयोग कर लेना। तो खैर, ये छोटी छोटी कुछ बातें बता रहा था। आस्था जीवन का आधार। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ साहब। जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना? रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। हैप्पी हॉलिडे फन में डिलाइट, दोस्ती में मस्त अजंता एलाइट, लाजवाब स्टाइल हर जगह में हिट, अजंता एलाइट परफेक्ट फिट, सबकी पसंद एक डिसीजन राइट, आ गया अजंता, अजंता एलाइट, अजंता एलाइट अब पैरों में कुछ ज्यादा ही आराम। केंट प्योरीफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन RO और UV से। केंट देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी। झंडू पंचारिष्ट ये पाचन शक्ति बढ़ाता है, हर पेट की समस्या का हल है झंडू पंचारिष्ट। झंडू पंचारिष्ट, पेट टनाटन, लाइफ टनाटन। डाल लीजिए, सिर्फ डाइटिंग का भी नहीं, अपना ये कम सोडियम वाला डॉक्टर सॉल्ट, वजन घटाए चुटकी में। मम्मा, अगर भगवान ना होते तो हमारे घर की रक्षा कौन करता? तो हर जगह तुम्हारा ख्याल कौन रखता? भगवान है। साइकिल प्योर अगरबत्तियाँ। आ गया है पर्व, छा गया है पर्व, मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। नित्य हो या जीवन, ताल छूट जाए तो पकड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने हमेशा भरोसा किया झंडू बाम पर। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना झंडू बाम लाए पल में हर दर्द पर आराम। झंडू बाम, एक बाम तीन का।
क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? रियोमेड टैबलेट और जेल इस्तेमाल करें और फर्क देखें। वैक्सीन्स होम्योपैथी। Three glorious decades. Excellent service, dedication and commitment. India में सुरक्षा का एक ही नाम, Trig Guard Force Limited, India's leading security company. For personal security, corporate security, residential security, armed guards, cash van, dog squad, and undercover investigation. Trig Guard Force Limited, India's leading security company. स्वामी दयानंद सरस्वती जी शताभिषेकम का विशेष समारोह 20 से 22 जुलाई स्थान कोडेशिय कन्वेंशन हॉल कोयंबटूर तमिलनाडु में होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के शीर्ष संतों की पावन उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में 22 जुलाई शाम 5:30 से 7:30 बजे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का विशेष उद्बोधन होगा। निवेदक पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज आचार्य सभा। उसमें पैकिंग में रख लेना चाहिए इसको, जो है ये प्रयोग कीजिए इनका। तो आयुर्वेद अमृत है। कितने वर्षों तक हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक जड़ी बूटी पर शोध किया होगा, गिलोय के प्रभाव, तुलसी के प्रभाव, एलोवेरा के प्रभाव, कितने वर्षों तक शोध किया होगा उसको। योग और आयुर्वेद का नित्य प्रयोग, योग नित्य जीवन शैली में समाहित है, आयुर्वेद आंवला एलोवेरा ये तो तुलसी ये नित्य प्रयोग की चीजें, फिर औषधि के तौर पर मुक्तावटी मधुनाशिनी सदा अमृत कायाकल्प, ये अलग। फिर शक्ति के तौर पर एनर्जी ड्रिंक्स मत लेना आप, शक्ति की औषधियों के नाम पर एलोपैथी में जितनी भी दवाइयां खाई जाती हैं, मैं नहीं कह रहा, अब तो मेडिकल साइंस भी इसको कह रहा है, उससे हार्ट अटैक होता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक होता है, उससे और कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। आयुर्वेद में जो शक्ति के लिए भी औषधि खानी है, अब जैसे अश्वगंधा और शिलाजीत का, अश्वशिला का ये हमने कैप्सूल बनाए, अद्भुत है ये अश्वगंधा का, अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों का समान रूप से मिश्रित कैप्सूल बना दिया। लोग शक्ति के लिए इधर उधर की शक्ति माने, ये कोई स्त्री या पुरुष का प्रश्न नहीं है, ये हमारे सप्त धातु त्रिदोषों को का संतुलन और सप्त धातुओं का पोषण, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अब इसमें अश्वगंधा और शिलाजीत बहुत अच्छा काम करते हैं, उन दोनों का मिश्रण करके बना दिया। आप एक या दो कैप्सूल ले लीजिए, केवल अश्वगंधा, जो बहुत कमजोर है, दुबले पतले हैं, वो अश्वगंधा शतावर का चूर्ण भी खाएं इसको ले। पहले हमारे अश्वगंधा शतावर सफेद मोसले शक्ति के लिए बहुत सभी लोग उपयोग किया करते थे। जिन माताओं बहनों का भी शरीर बहुत कमजोर होता है और खास करके जिनके स्तनों में दूध नहीं होता, स्तन भी जिनके उभरे हुए नहीं होते, उनके लिए भी शतावर का चूर्ण प्रयोग करें, प्राणायाम करें, अपने आप स्तनों की शेप अपने आप ठीक हो जाती है। ये एकदम फैक्ट है ये चीजें। तो आपको खाली जो है शक्ति के तौर पर आपको प्रयोग करना है, तो आप शिलाजीत हमने तीन तरह से बनाई, तीन तरह से उसको तैयार करके दिया है उपयोग के लिए। एक लिक्विड, ये पहाड़ों पर एक रस टपकता है चट्टानों के बीच से, ये प्राकृतिक रस है, वो काला काला होता है, खाने में टेस्ट उसका थोड़ा कॉफी जैसा होता है। तो लिक्विड हम देते हैं शिलाजीत, वो भी टनों की मात्रा में प्रयोग होती है पूरे देश भर में, साल भर में जो हम उपलब्ध कराते हैं। शिलाजीत सत बोला जाता है उसको, जो काली काली होती है उसकी, वो आपको जो है उपलब्ध होती है ये वाली, ये काली काली होती है, इसमें जो है ये तो बंद है अभी, ये देखो ये ऐसे, अब इसको ये ऐसे शहद से भी गाढ़ी होती है, ये ऐसे इसको ये काला है, अब ये करीब ऐसे ही इसको चम्मच से या ऐसे ही जैसे ऐसे उंगली पर लगाया ऐसे चाट लिया, कड़वा होता है थोड़ा, दूध के साथ ले सकते हैं। तो ये शिलाजीत सत, अब बहुत लोग जो इसी, अब इसका असर जल्दी होता है, तुरंत घुल जाती है ना जाकर के, फिर इसका ही कैप्सूल बना दिया, किसी को कैप्सूल खाने में असर होता है, मैं कैप्सूल खा रहा हूं, तो कैप्सूल खा ले भाई, फिर इसकी गोली बना दी हमने शिलाजीत रसायन, गोली भी बड़ी इफेक्टिव है, जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, शिलाजीत रसायन की गोली खाओ सारे दर्द मिट जाते हैं, कोई ऐसा भी दर्द हो
तीन बड़ी बीमारियां होती, वात पित्त कफ। दर्दों के लिए चंद्र प्रभाव टी और शिलाजीत रसायन और एलोवेरा ले लो, दर्द रह ही नहीं सकता। एसिडिटी के लिए एलोवेरा पी लो, एसिडिटी रह ही नहीं सकती, कितनी भयंकर एसिडिटी हो। एसिडिटी की बीमारी बार बार होती रहती है। और अभिपत्तिकर चूर्ण और मुक्ता शक्ति मिला के ले लो तो कितनी और ज्यादा एसिडिटी है। और वायु के लिए मैंने पहले बताया, कफ, कफ के लिए पहले बता चुका हूं, यही पंचकोल त्रिकुटा शीतोपलादि श्वासारी आदि। अब जैसे ये शिलाजीत की गोली है, इसके एक या दो गोली खा लो, कितना ही भयंकर दर्द हो कहीं पर भी, ये वो वैसा पेन किलर नहीं है एलोपैथी वाला। वो तो कोई भी एलोपैथी की दवाई 4 से 8 घंटे असर करती है, आयुर्वेद की दवाई का असर आपकी जिंदगी भर रहता है, ये बड़ी बात है। ये आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है, अंदर जाके शरीर को पोषण देती है। एलोपैथी की दवाई 4 से 8 घंटा असर करती है। तो खैर, आयुर्वेद के बारे में आप कई बार मुझसे सुनते रहते हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति भी है, एक जीवन पद्धति भी है और एक साधन पद्धति भी है। योग और आयुर्वेद दोनों के बारे में, ये तीनों चीजें एक साथ हैं इसमें। ये जीवन पद्धति है, ये चिकित्सा पद्धति है रोगियों के लिए, स्वस्थ आदमियों के लिए जीवन पद्धति, और जो योगी महापुरुष हैं उनके लिए ये साधन पद्धति, मुक्ति का मार्ग। तीनों चीजें एक साथ इसमें सन्निहित हैं। तो अब आपको आगे बढ़ाते हैं, पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, भ्रामरी गीत प्रणाम कराते हैं। अपने भीतर ही सब कुछ है, सारी औषधीय शक्ति अपने भीतर है। सब रोग अंदर है, दवा भी अंदर है, सब वो जो बाहर से हम केमिकल्स और हार्मोन्स ले रहे हैं सब अंदर से ही प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य अंदर है, शक्ति अंदर है, शांति अंदर है, तृप्ति भी अंदर से मिलेगी, मुक्ति अंदर से मिलेगी, ब्रह्म भगवान भी अंदर से मिलेगी। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, सांस भीतर गहरा भर करके भ्रामरी प्राणायाम भाव से, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में।
मौन हो जाइए, श्वासों के साथ, प्राणों के साथ, प्रणव की आराधना। एक ओंकार, वो अकाल पुरुष वाहेगुरु। आस्था जीवन का आधार। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। ऋषियों का ज्ञान, आयुर्वेद की शक्ति, हमारे अनुभव और वर्षों का अनुसंधान, पतंजलि योग पीठ का विश्वास, सुबह से शाम तक हर पल आपके आरोग्य के लिए आपके साथ। आंवला एलोवेरा जूस एवं बेल मुरब्बा आदि स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों और जीवनदायिनी जड़ी बूटियों, अष्टवर्ग व केशर आदि से निर्मित स्पेशल च्यवनप्राश और भी बहुत कुछ आपके आरोग्य की रक्षा के लिए। आश्रम द्वारा संचालित सभी पतंजलि चिकित्सालयों पर उपलब्ध। तो का उसी ब्रह्म का सर्वत्र विस्तार का अनुभव, ब्रह्ममय ब्रह्म भाव में जीना। वासुदेव सर्वमीश वास्यमिदं सर्वसोतश्च प्रोतश्च उपजास ब्रह्मेदम् अमृतं परस्ताद् ब्रह्म दर्शनं तस्य त्रिणधस्सोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म इदं विश्वम् इदं वरिष्ठ। सदा ऐसे उन्नत भाव में जीना, बाहर भीतर उसी की ज्योति से आलोकित है सारा जगत। जन्म औषध मंत्र तप समाधि सिद्ध है, महर्षि पतंजलि कहते हैं जन्म से ही हम सिद्ध हैं, जन्म से ही हम संयोगी हैं। ये भगवान की दिव्य शक्तियों से भरी हुई जड़ी बूटियां, इनके सेवन करने से भी हमको सिद्धियां विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। मंत्र के जप से गायत्री मृत्युंजय और ये ओंकार महामंत्र है। मानसिक जप, पहले वाचिक जप किया, मानसिक जप, उपांशु जप भी होता है। वाचिक जप, उपांशु जप, वाचिक जप हम जब बोलते हैं ओम ओम और होठ हिलते रहें और बोले नहीं, ये उपांशु जप, आवाज ना आए बाहर और मन ही मन ओम का ध्यान कर रहे हैं, ये मानसिक जप। और अजप अजप ओंकार में ही देखना है पिंड और ब्रह्मांड को, इसकी सेवा और है ही क्या, सब कुछ ओंकार में है। ये अजप अजप जन्म औषध मंत्र तप, तप से प्राणायाम परम तप, शारीरिक मानसिक कई तरह के तप, उन तप से समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती, विशेष शक्तियां प्राप्त होती, दिव्य शक्तियां प्राप्त होती, अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय शांति, आनंद की अनुभूति होती है। दोनों हाथों को उठा लेना, ऐसे जितना वक्त उतना बैठ करके हर दिन ध्यान करना, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम पूरा हो गया। अब व्यायाम करेंगे और आज का व्यायाम हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज आपको कराएंगे। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार और आसन, और दिन भर आज आपको भाई राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, भाई जयदीप जी जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं और बहन सुमन जी जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, ये आपको दिन भर मार्गदर्शन करेंगे। आज श्रद्धे पूज्य वंदनीय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी का भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और कल सुबह के सत्र में योगासन प्राणायाम के साथ साथ विशेष आसनों के प्रशिक्षण के साथ साथ आपको षटकर्म की विशेष क्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जल नीति और सूत्र नीति का, जिससे कि आप और अधिक अपने शरीर की शुद्धि कर सके। अभी आज हमें कोयम्बटूर में, जहां पहले भी मैं जा चुका हूं, बहुत सुंदर ऐतिहासिक वहां पर भी शिविर हुआ। पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज जिनका पूरा जीवन
योग के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए, आर्ष विद्या के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आर्ष विद्या के बहुत से केंद्र गुरुकुल स्थापित किए। और जिस तरह से महर्षि दयानंद ने आर्ष परंपरा का प्रचार किया, उसी तरह से दक्षिण भारत में आर्ष परंपरा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और अपने देव संस्कृति ऋषि संस्कृति को प्रतिष्ठापना का बहुत बड़ा काम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज ने किया। उनका शताब्दी अधिवेशन चल रहा है। अब हमारे लिए तो ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध संतों का आग्रह वो गुरु के तुल्य पिता के तुल्य होता, हम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज जी के इस शताब्दी अधिवेशन में हमारे सभी संत महापुरुष, हमारे सभी उच्च आध्यात्मिक गुरु, देश के शीर्ष संत सत्ता वहां पर आज विद्यमान होगी, तो मुझे भी अब वहां के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि 5 बजे से मुझे वहां सायंकाल के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। और पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज का विशेष आग्रह था, मैंने कहा शिविर चल रहा है, तो बोले स्वामी जी चाहे आपको स्पेशल फ्लाइट से आना हो आपको आना ही होगा। एक बार पूज्य श्रद्धेय वंदनीय स्वामी दयानंद जी महाराज जी के शताब्दी अधिवेशन के लिए पूरे पतंजलि योगपीठ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको वंदन, उनको प्रणाम, उनके ज्ञान को, उनके सेवा को और उनके पूरे इस दिव्य जीवन को और उनकी सेवाओं को, उन्होंने जो कुछ किया है अपनी ऋषि संस्कृति के लिए, देव संस्कृति के लिए, उनको हम पूरे पतंजलि परिवार की ओर से प्रणाम निवेदन करते हुए मैं आगे की कक्षा के संचालन के लिए पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी से कहूंगा। और आप सब भाई बहन और आस्था के माध्यम से भी हमारे सब भाई बहन पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ आज का योगाभ्यास आगे बढ़ाएंगे। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे, बोलिए भारत माता की। और कल का सत्र हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई जयदीप जी, राकेश जी और सुमन जी आदि सब मिलकर के अब 2 दिनों तक पूरा आनंद लेंगे इसका, फिर हम आपसे मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। दोनों हाथ उठा करके और ओम का उच्चारण करके हम पूज्य महाराज जी को विदाई देंगे। ओ चलिए आइए, योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास हम सब मिलकर के करेंगे। कमर कस के तैयार हो जाओ, हम भी अपनी धोती कस लें। योगिक जोगिंग के 12 पोज, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका शरीर ज्यादा भारी है, जिनके जोड़ों में दर्द है, वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, तेज गति से नहीं करना है उनको। और जो जवान है वो अपने पूरी ऊर्जा के साथ में जितना उनका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला वाला ये धीरे, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए, जो जिनका वेट ज्यादा है, ओवरवेट, और तेज गति से युवाओं के लिए। मजबूत होना चाहिए क्योंकि हमें पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा कार्य करना है, उन्होंने हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए, कहीं से ही कमजोर नहीं रहे। तीसरा,
पीछे वाला पैर सीधा रखने की कोशिश करेंगे। वाले पीछे नहीं झुकेंगे। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे ज्यादा नहीं झुकेंगे, उनको पीछे झुकना ही नहीं है। जिनको कमर में दर्द रहता है उनको आगे नहीं झुकना चाहिए। आठवां, कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना। योगिंग के संपूर्ण व्यायाम अब करेंगे। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार 12 आसनों का मिला जुला रूप, मुख्य रूप से 8 आसन 12 की गिनती में। 1, 2, 3, 4 1 पैर पीछे, 5 दोनों पैर पीछे,
अच्छे, सीना नीचे, घुटने टिके हुए, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। मजा आया? और ले लो तो मजा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। बस स्वामी दयानंद सरस्वती जी शताभिषेकम का विशेष समारोह 20 से 22 जुलाई स्थान कोडिशिय कन्वेंशन हॉल कोयंबटूर तमिलनाडु में होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के शीर्ष संतों की पावन उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में 22 जुलाई शाम 5:30 से 7:30 बजे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का विशेष उद्बोधन होगा। निवेदक पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज आचार्य सभा। योग अध्यात्म एवं सेवा को मूल में रखते हुए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के महाअभियान के तहत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आयोजित आगामी कार्यक्रम 1 से 4 अगस्त पतंजलि चिकित्सालय व पतंजलि आरोग्य केंद्र संचालक गण प्रबंधक तथा पतंजलि चिकित्सालय के वैद्य गणों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर। 7 से 8 अगस्त पतंजलि परिवार के सदस्य गणों की बैठक, आजीवन सदस्य से बोर्ड मेंबर तक। 9 से 13 अगस्त मंथन शिविर, आमंत्रित सदस्यों की आहर्ता, प्रखर देशभक्त, शीर्ष बुद्धिजीवी, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारीगण, रिटायर्ड जज, कर्नल से लेकर जनरल तक, सेना के अधिकारीगण या समकक्ष, रॉ व इंटेलिजेंस आदि के सेवानिवृत्त शीर्ष अधिकारी, रिटायर्ड या सेवारत प्रोफेसर या वरिष्ठ शिक्षाविद, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निर्णायक क्षमता रखने वाले राष्ट्रवादी व्यक्ति जो गाँव गरीब भारत एवं भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा रखते हैं, जो इस देश में बहुत बड़ा सात्विक परिवर्तन चाहते हैं तथा काला धन एवं भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध इस निर्णायक लड़ाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरी प्रामाणिकता व पारदर्शिता के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मंथन शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यालय से पूर्व पंजीकरण आवश्यक है। 15 से 21 अगस्त युवाओं के लिए विशेष शिविर, 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे राष्ट्रभक्त युवा जो राष्ट्र निर्माण के इस निर्णायक आंदोलन जो पूरी ऊर्जा के साथ अंतिम वक्त तक संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के 5 संगठनों या युवा भारत में अपने प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, हम प्रत्येक जिला तहसील से युवाओं का आह्वान करते हैं जो जीवन में योग अध्यात्म सेवा को मूल में रख करके काला धन भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं, उन सभी देशभक्त युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं। इस शिविर में भाग लेने के लिए पतंजलि योगपीठ मुख्यालय अथवा स्थानीय पतंजलि योग समिति से पूर्व पंजीकरण करवाएं। 23 से 25 अगस्त सत्याग्रहियों के लिए विशेष योग शिविर, जिन्होंने रामलीला मैदान के सत्याग्रह में भाग लिया,
जिन्होंने अपने शरीर पर प्रहार सहे लेकिन हार नहीं मानी, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष किया, उन सभी देशभक्त भाई बहनों को भारत स्वाभिमान के राष्ट्र निर्माण के आंदोलन में उनकी सहभागिता एवं सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं। शिविर में भाग लेने के लिए रामलीला मैदान का पहचान कार्ड साथ लेकर आए अथवा भारत स्वाभिमान के जिला संगठन की संस्तुति साथ लेकर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें